यस इस सर। ऑल राइट, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टू रिवाइज इन आर लेक्चर टुडे इज दैट ऑफ वन पर्सन कंपनी। तो वन पर्सन कंपनी के कॉन्सेप्ट को जल्दी जल्दी गो थ्रू करेंगे। वन पर्सन कंपनी में क्या होता है, यू हैव ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। द मिनिमम पेड अप कैपिटल, इज देयर एनी लिमिट? नो लिमिट। द मेमोरेंडम ऑफ द वन पर्सन कंपनी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द पर्सन हु इज गोइंग टू बिकम द मेंबर व्हेन द ओरिजिनल मेंबर इज गोइंग टू बी इधर डेड और इनकैपेसिटेटेड। सो फॉर एग्जाम्पल, देर इज एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, दिस इज अ वन पर्सन कंपनी, राइट? एंड द मेंबर इज मिस्टर एबीसी। इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ और इनकैपेसिटी, ही नॉमिनेट्स हिज डॉटर मिस पी क्यू आर। दिस नेम ऑफ मिस पी क्यू आर शैल इट बी अ पार्ट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड वन पर्सन कंपनी? येस और नो प्लीज रिस्पॉन्ड। येस और नो प्लीज रिस्पॉन्ड। विल इट बी देयर इन द वन पर्सन कंपनी? येस और नो प्लीज रिस्पॉन्ड। कम ऑन स्टूडेंट्स। यस येस, सर, अलॉन्ग विद द फैक्ट दैट हर नेम इज मेंशन्ड, व्हाट शुड बी देयर? Her prior written consent in a prescribed form will have to be filled with the ROC. What will be there? Her prior written consent in a prescribed form shall be filed with the ROC at the time of incorporation. Now, what is the prescribed form? How it is to be filed? That is not there in your syllabus. पर क्या लगेगा? मिस्टर एबीसी ने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड खोली, जो एक वन पर्सन कंपनी है। जैसा कि आप जानते हो, ओपीसी के लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वन पर्सन कंपनी के नीचे वन पर्सन कंपनी ये वर्ड्स लिखे होने चाहिए। इसको शुरू किसने किया, इसका मेंबर कौन है? इसका मेंबर है मिस्टर एबीसी। इस मिस्टर एबीसी ने अपनी बच्ची मिस पी क्यू आर को नॉमिनेट किया है कि उनके मौत या इनकैपेसिटी के इवेंट में वो इस कंपनी की मेंबर बनेंगी। तो उनका नाम उनके लिखित कंसेंट के साथ, उनके रिटन कंसेंट के साथ, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में आरओसी के साथ एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन फाइल होना पड़ेगा। क्या मिस पीक्यूआर अपने कंसेंट को विड्रॉ कर सकती है? जी हाँ, उन्हें राइट दिया गया है अपने कंसेंट को विड्रॉ करने का। यदि वो अपने कंसेंट को विड्रॉ करती है तो उनकी जगह पे अनादर नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन, रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, एंड हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ऐसी एक व्यक्ति लगेगी जिसको फिर एबीसी को नॉमिनेट करना होगा। फिर वो नॉमिनेट की हुई व्यक्ति फिर से अपना रिटर्न कंसेंट प्रिस्क्राइब फॉर्म में देगी, जो हम आरओसी के साथ फाइल करेंगे। मेंबर ऑफ एबीसी कैन एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच पर्सन बाय गिविंग नोटिस टू द कंपनी एंड द कंपनी शैल इंटीमेट द सेम टू द रजिस्ट्रार। तो क्या नॉमिनी फिक्स्ड होता है फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी? नहीं, नॉमिनी अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है या इनकेपेबल हो सकता है नॉमिनी बनने के लिए। क्या हो सकता है? इनकेपेबल हो सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये वाला पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ क्या कहता है कि ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन, वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, मतलब जो रेसिडेंट नहीं है, पर यदि वो रेसिडेंट नहीं है, स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज। इसमें इंस्टीट्यूट के मॉडल सॉल्यूशन में एक गंभीर कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के लिए तैयार हो जाता है। इस पॉइंट को समझ के लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। सेंटेंस क्या कहता है? ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन, वेदर रेसिडेंट इन इंडिया। अब देखिए, ओनली अ नेचुरल सिटीजन, हु
हु इज रेसिडेंट इन इंडिया। सबसे पहले नेचुरल सिटीजन का मतलब क्या होता है? ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब होता है कैन नॉट बी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। इसका मतलब ये होता है कि एनी टाइप ऑफ कंपनी कैन नॉट बी नॉमिनी। आर वी क्लियर अबाउट दिस पॉइंट? येस और नो, प्लीज टेल मी दैट। एनी टाइप ऑफ पर्सन, इफ ही हैज टू बी देयर, ही हैज टू बी नेचुरल पर्सन। एनी टाइप ऑफ कंपनी कैन नॉट बी नॉमिनी। क्या इस पॉइंट से आप क्लियर हो? अब ये कहता है रेसिडेंट इन इंडिया। ये जो वर्ड है रेसिडेंट, इसको इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 और सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के तहत डिफाइन किया गया है। इसमें कहा जाता है कि रेसिडेंट बनने के लिए कम से कम आपको 182 डेज इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यू हैव टू बी प्रेजेंट रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब आपको इंडिया में रहना पड़ेगा कितने दिन के लिए? 182 डेज के लिए। यदि आप रेसिडेंट नहीं हुए, यदि आप रेसिडेंट नहीं हुए तब क्या होगा? यदि आप रेसिडेंट नहीं हुए तो आपको इंडिया में फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज रहना पड़ेगा इन द इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। वापस से देखेंगे, ओनली नेशनल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन विद अ रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, मतलब इज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया। अदरवाइज का मीनिंग लॉ में, और अदरवाइज इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मतलब वो रेसिडेंट नहीं है। और अदरवाइज का मतलब क्या है? वो रेसिडेंट नहीं है। मतलब यदि वो रेसिडेंट नहीं है तो क्या फिर भी वो नॉमिनी बन सकता है? जी हाँ, वो बन सकता है। और वो बनने के लिए उसे इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में कितने दिनों के लिए रहना पड़ेगा? नॉट लेस देन 120 डेज। कितने दिनों के लिए? नॉट लेस देन 120 डेज। आ रही है बात समझ में? येस और नो, प्लीज टेल मी दैट। यहां यस सर। पे नॉमिनी और मेंबर के बीच में कोई भी रिश्ता, नाता, संबंध होने की जरूरत नहीं है। आप आपके मित्र को भी एक नॉमिनी बना सकते हो। उसमें कोई भी किस्म के ब्लड रिलेशन या फैमिली रिलेशन की आवश्यकता नहीं है। इस बात को समझ के लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डेप्थ में देखेंगे, इसी तरह से आपकी केस स्टडीज की कॉन्सेप्ट बनेगी। अब देखिए, देर इज फॉर एग्जाम्पल एपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, वन पर्सन कंपनी। इस कंपनी के मान के चलते हैं मेंबर है अरुल के। कौन है इसके मेंबर? अरुल के। अरुल को एक नॉमिनी नॉमिनेट करना पड़ेगा। तो ये नॉमिनी किसे रखते हैं? फॉर एग्जाम्पल समीर खान को नॉमिनी रख देते हैं। अब समीर खान क्या एक नेचुरल पर्सन है? जी हाँ, ये नेचुरल ह्यूमन बीइंग है। पर नेचुरल पर्सन होने के साथ साथ ये क्या होने चाहिए? इंडियन सिटीजन होने चाहिए। जी हाँ, ये इंडियन सिटीजन भी है। इसके साथ साथ इनको क्या होना जरूरी है? रेसिडेंट होना जरूरी है। रेसिडेंट होने के लिए इनको 182 डेज और मोर इंडिया में रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में रहना जरूरी है। मान के चलते हैं कि ये 182 डेज के लिए नहीं, ये ओनली 140 डेज के लिए इंडिया में रेसिडेंट थे। बाकी के दिन वो कहाँ थे? बाकी के दिन लेट अस अज्यूम कि वो सऊदी अरेबिया में थे। कितने दिन थे इंडिया में? 140 डेज। अब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 2020-21 में। इसका रेलिवेंट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कौन सा बन जाता है?
2019-20 इस रेलिवेंट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में समीर खान इंडिया में कितने दिन के लिए थे? 140 डेज के लिए। तो 1920 के अंदर, 1920 के अंदर सबसे पहले तो वो नेचुरल पर्सन है, वो इंडियन सिटीजन भी है, पर क्या वो रेसिडेंट थे? नहीं थे, क्योंकि वो 182 डेज या मोर के लिए इंडिया में नहीं थे। वो अपने एम्प्लॉयमेंट की पर्पजेस के लिए सऊदी अरेबिया में गए थे, वहां पे एक कंपनी में काम करते हैं, लेकिन अरुल के वो बहुत अच्छे मित्र है, तो अरुल ने सोचा उनके बाद इस कंपनी को आगे समीर खान चलाएंगे। लेकिन इस प्रीवियस ईयर में, रेलिवेंट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, वो 140 डेज इंडिया में थे। रेलिवेंट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में वो कितने दिन के लिए इंडिया में थे? 140 डेज के लिए वो इंडिया में थे। तो क्या ये ओपीसी के नॉमिनी के सारे रूल्स को मीट करते हैं? जी हाँ, मीट करते हैं। तो यदि मैं इसे फॉर्मलाइज करूं, यदि मैं इसे फॉर्मलाइज करूं, इसका एक चार्ट बनाऊं, तो ये चार्ट क्या बनेगा? इसकी तरफ सबका ध्यान होना बेहद ज्यादा जरूरी। इसमें सबसे पहले तो आपका नॉमिनी कौन बनेगा? नॉमिनी सबसे पहले बनेगा एक नेचुरल पर्सन, जो क्या होना चाहिए? इंडियन सिटीजन होना चाहिए। जो रेसिडेंट होना चाहिए, पर इफ नॉट अ रेसिडेंट, इफ नॉट अ रेसिडेंट, तो इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ये कितने दिन रहने चाहिए? कम से कम 120 डेज, मतलब 120 डेज और मोर ये रहने चाहिए, तब जाके ये व्यक्ति नॉमिनी बनने को क्या बन जाती है? एलिजिबल बन जाती है। यदि वो एलिजिबल है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? अपना रिटन कंसेंट फाइल करना पड़ेगा विथ आरओसी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। कब कब करेंगे ये? ऑन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कब करेंगे ये फाइलिंग? वो ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो क्या हम इस आधार पर कुछ क्वेश्चन आगे हमारे खुद के लिए फॉर्म्यूलेट कर सकते हैं? यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। चलिए, अनुराग आए हैं लेक्चर में। अनुराग इज नॉट देयर, अनुराग इज नॉट देयर, सेंड अ मैसेज फॉर अनुराग। इन द मीन टाइम कैन समबडी टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्लीज? कोई स्क्रीनशॉट ले पाएगा इसका? ऋषि, आर यू इन पोजिशन? Yes, I'll take the screenshots. टेक अ स्क्रीनशॉट, एंड यू नो हाउ टू शेयर द स्क्रीन? Yes, sir, 1 second. आई विल अलाउ यू टू शेयर द स्क्रीन, डोंट वरी। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ सर, बस इसमें वो पेस्ट कर रहा हूँ उसको. कर लिया? यस सर, यस. अब आपके लिए केस स्टडी सा बनाता हूं, प्लीज उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा।
इनमें से कौन नॉमिनी बन सकता है और कौन नॉमिनी नहीं बन सकता, अब हमें आइडेंटिफाई करना है। मिस्टर एबीसी इंडियन सिटीजन है, वो रेसिडेंट भी है, वो पिछले साल में 236 दिन के लिए इंडिया में अवेलेबल थे, प्रेजेंट थे। क्या ये नॉमिनी बन सकते हैं? यस और नो प्लीज टेल मी दैट। क्या ये नॉमिनी बन सकते हैं? राहिला, यस क्या ये नॉमिनी बन सकते हैं? बताइए क्यों सर। बन सकते हैं, जरा मुझे ये बताइए। नॉमिनी बनने के लिए राहिला क्या क्या जरूरी होता है, बताइए क्या क्या जरूरी होता है? सबसे पहले वो क्या होने चाहिए? सबसे पहले वो नेचुरल पर्सन होने चाहिए, अग्रीड और डिसअग्रीड? अग्रीड। नेचुरल पर्सन के बाद वो क्या होने चाहिए? इंडियन सिटीजन होने चाहिए, अग्रीड और डिसअग्रीड? इंडियन अग्रीड। सिटीजन के बाद वो रेसिडेंट होने चाहिए, और यदि वो रेसिडेंट ना रहे तो क्या होने चाहिए? इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, वो कितने दिन के लिए इंडिया में रहने चाहिए? 120 days और मोर। तो क्या ये मिस्टर एबीसी एक नेचुरल पर्सन है? जी हाँ, मिस्टर एबीसी है उनका नाम, वो एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है। क्या वो रेसिडेंट थे? कितने दिन के लिए थे? इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, 236। तो राहिला, क्या ये इंडिया में क्या ये नॉमिनी बन सकते हैं? यस और नो राइट? यस यस अरे सर। चलिए चलिए, एपेक्स फाउंडेशन एट, देवराज देवराज, मेसर्स पी क्यू एंड कंपनी, क्या ये नॉमिनी बन सकते हैं? क्या ये नॉमिनी बन सकते हैं देवराज? क्यों नहीं सर, नहीं? क्योंकि इसमें अरे 1% कंपनी का वो बनना है, तो हर एक चीज मतलब फुल वो होना चाहिए। अरे मतलब पी क्यू एंड कंपनी के केस में क्या फुलफिल नहीं हो रहा है? ये इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन की सवाल ही नहीं उठता, वो नेचुरल पर्सन है ही नहीं, ये नेचुरल पर्सन है ही नहीं। तो क्या ये नॉमिनी बन सकते हैं? नहीं बन सकते। थर्ड थर्ड, चलिए आदर्श, मुझे बताइए, पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड, क्या ये नॉमिनी बन सकते हैं? यस सर। बन सकते हैं? हाँ सर, प्राइवेट लिमिटेड है ना? नहीं, हाँ बन सकते ना सर, वो नेचुरल पर्सन आपका है। लेक्चर में बिल्कुल ध्यान नहीं है। नहीं सर, प्राइवेट लिमिटेड नहीं बन सकते, मिस्टर जो रहेगा वो बन सकता है, ये नहीं बन मिस्टर सकता मतलब क्या? मिस्टर इंडिया, मिस, अरे अनिल नो मिस्टर कपूर मतलब नाचता है श्रीदेवी के सर, साथ। सर सर हाँ, मिस्टर मतलब क्या? तो मिस नहीं बन सकती, मिसेस नहीं बन सकता, मास्टर नहीं बन सकता। ऐसे ऊपर का एग्जांपल का देख के बोल रहे हैं। नेचुरल पर्सन होना चाहिए आदर्श, क्या होना चाहिए? नेचुरल पर्सन। मिस्टर का मतलब है वो आपके मेरी तरह एक जीते जागते व्यक्ति है। आई बात समझ में? यस और नो हाँ सर, आदर्श? क्या हाँ सर, एक प्राइवेट कंपनी नेचुरल पर्सन है? नहीं है। आपने नहीं स्क्रीनशॉट नहीं को देखा था पहले, ऋषि के स्क्रीन पे क्या था? हाँ उसमें सर, लिखा सबसे था। पहला क्या लिखा था? नेचुरल पर्सन। इसका मीनिंग क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन नहीं चलेगा। ये क्या है? ये कौन सा किस्म का पर्सन है? ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट, आलिया आलिया, मिस्टर पीक्यूआर, क्या ये नॉमिनी बन सकते हैं? सकता है। हाँ बन सकते हैं बिल्कुल। क्यों बन सकते हैं? बिकॉज इनकी रेसिडेंट इज मोर देन 120 डेज एंड और ही वो वर इंडियन यूनियन ऑफ सिटीजन है? नहीं, वो आप चेक नहीं करोगी? क्या इंडियन सिटीजन? क्या मिस्टर पीक्यूआर इंडियन सिटीजन है? तो नॉट। बन सकते हैं, तो नो मतलब आप ध्यान दे रही हो? नहीं ना। चलिए आगे आगे, जेसन, मिस एक्स वाई जेड के बारे में आप क्या कहते हो? जेसन सर, नहीं बन सकते नॉमिनी क्यों नहीं बन सकते? सर, वो रेजिडेंशियल डेज कम है, 96 से 120 होना वेरी गुड चाहिए। आंसर। सबसे पहले क्या वो इंडियन सिटीजन है? यस सर, नेचुरल पर्सन है?
रेसिडेंट नहीं है, चलो कोई बात नहीं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये वन मोर देन ट्वेंटी 120। होना चाहिए, पर ये क्या है, ये 96 है, तो ये नहीं बन सकती। आई बात समझ में? 100% यस अरुल, सर। द लास्ट केस, मिस्टर डब्ल्यू यस एक्स वाई, सर। मिस्टर डब्ल्यू एक्स वाई, क्या ये बन सकते हैं? हाँ यस सर, बन सकते हैं। वो एक इंडियन सिटीजन है और रेसिडेंट होने के लिए मोर देन 120 डेज में रहना पड़ेगा। 125 डेज है तो उनके ऊपर है, वो एप्लीकेबल परफेक्ट परफेक्ट, दैट इज योर आंसर। ऋषि टेक अ स्क्रीनशॉट, ऋषि टेक अ स्क्रीनशॉट, है। यस सर, ठीक है। ऋषि टेक अ स्क्रीनशॉट, फेयर इनफ। इसमें क्लियरली दिख के आता है कि किसका ध्यान है और किसका ध्यान नहीं है। आप इन लेक्चर्स में यदि ध्यान नहीं दोगे, आपका नुकसान है, लॉ वापस होने वाला नहीं है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। स्क्रीनशॉट इज टेकन। यस सर। मैं फिर से दोहराता हूं, नॉमिनी बनने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? वो व्यक्ति नेचुरल पर्सन। इसका मतलब यहां पे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन नहीं चलेगा। दूसरी बात, वो क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। तीसरी बात, वो क्या होना चाहिए? वो रेसिडेंट होना चाहिए। चलो पकड़ के चलते वो रेसिडेंट नहीं है, मतलब वो 182 डेज से, 182 डेज से लेस प्रेजेंट है इन इंडिया ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इसका कोई तोड़ है क्या? इसका तोड़ है, आप इसे 120 दिन के हिसाब से देखिए। कितने हिसाब से देखिए? 120 दिन और मोर यदि वो है, तो फिर आप उसे क्या बनाइए? नॉमिनी बनाइए। ये क्या है? ये है एलिजिबिलिटी टू बिकम नॉमिनी इन वन पर्सन कंपनी। एक बार वो नॉमिनी बन जाता है, तब वो क्या करेगा? वो अपना रिटन कंसेंट फाइल करेगा किसके साथ और या किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। इन व्हाट फॉर्म? इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। आर यू विथ मी, येस और नो? या ये यस बात सर। सबको समझ में आ रही है? क्या वो ये यस सर। रिटन कंसेंट विड्रॉ कर सकता है? विड्रॉल इज अलाउड, येस और नो? यस सर। विड्रॉल यस सर। अलाउड है। यदि यस सर। विड्रॉल हुआ तो क्या करना पड़ेगा? न्यू नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। आर यू विथ मी? यस। आर यू विथ मी ऑन दैट, येस और नो? ये है यस सर। आपके नॉमिनी का क्विक रिवीजन, ये है नॉमिनी का क्विक रिवीजन। नॉमिनी होना चाहिए नेचुरल पर्सन ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इफ ही इज नॉट अ रेसिडेंट, ही हैज टू बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ऑन बिकमिंग अ नॉमिनी, ही शैल फाइल अ रिटन कंसेंट विद द आरओसी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। विथड्रॉल ऑफ द रिटन कंसेंट इज अलाउड, इन विच केस द वन पर्सन कंपनी शैल हैव टू फाइल और अपॉइंट अ न्यू नॉमिनी। आर वी क्लियर अबाउट दिस? येस और नो? गिव मी अ थम्स अप, येस और नो? गिव मी अ थम्स अप। दिस इज द क्लियरिटी विथ विच यू आर सपोज टू से दिस। This is the clarity with which you are supposed to say this. Are you understanding this, ladies and gentlemen? ये करना जरूरी है, ये करना जरूरी है। Am I clear? अब आगे रिवीजन हो रही है, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट। Is this सर, clear? Take a screenshot. Rishi, have you taken screenshot? एक्सक्यूज मी सर।
no person eligible to incorporate more than one OPC or become nominee in more than one such company. So if you are a nominee in one company, you can become a nominee only in one company. No person shall be eligible to incorporate more than one or become nominee in more than one or दोनों नहीं कर सकता। यदि आप इनकॉर्पोरेट कीजिए या नॉमिनी बनिए, क्या आप इनकॉर्पोरेट एंड नॉमिनी दोनों बन सकते हो? नहीं। यू शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओनली वन ओपीसी और बिकम अ नॉमिनी इन ओनली वन ओपीसी। यू कैन नॉट इनकॉर्पोरेट एंड बिकम अ नॉमिनी इन टू डिफरेंट ओपीसी एट द सेम टाइम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी तक नोबडी हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन दिस। नो माइनर शैल बिकम एन ओपीसी एंड ही कैन नॉट ओपीसी नॉमिनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इन टू अ सेक्शन 8 कंपनी। इट कैन बी कन्वर्टेड टू प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज इन सर्टन केसेस। एम आई क्लियर अबाउट दिस? यस और नो? यस। सो हैविंग डिस्कस्ड दिस, गोइंग अहेड, सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट एनबीएफसी दैट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। इफ वन पर्सन कंपनी और एनी ऑफिसर कॉन्ट्रावीन्स, दे शैल बी पनिशेबल विच अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 और अ फर्दर फाइन विच में एक्सटेंड टू 1,000 रुपीज फॉर एवरी डे फॉर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच आफ्टर द फर्स्ट डे ड्यूरिंग विच सच कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज। मतलब 10 दिन के लिए कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो 1,000 रुपए दिन के, तो 10,000 रुपए की फाइन। 20 दिन के लिए हुआ तो 20,000 की फाइन। 30 दिन के लिए हुआ तो 30,000 की फाइन। वन पर्सन कंपनी एनबीएफसी का काम नहीं कर सकता। आई बात समझ में? वन पर्सन कंपनी एनबीएफसी का काम नहीं कर सकता। वन पर्सन कंपनी कभी भी सेक्शन 8 में कन्वर्ट नहीं हो सकती। वन पर्सन कंपनी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। माइनर कभी भी एनबीएफसी का मेंबर या नॉमिनी नहीं बन सकता। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में सिर्फ एक ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता है या फिर नॉमिनी बन सकता है, लेकिन दोनों नहीं बन सकता। दोनों नहीं बन सकता। एम आई क्लियर अबाउट दिस? यस और नो? एम आई क्लियर अबाउट दिस? यस और नो? यस सर। आर वी क्लियर? सो इफ आई वॉन्ट टू मेक अ मास्टर चार्ट फॉर ओपीसी, इफ आई वॉन्ट टू मेक अ मास्टर चार्ट फॉर ओपीसी, हाउ कैन आई मेक अ मास्टर चार्ट फॉर ओपीसी? प्लीज पे अटेंशन टू वॉट आई एम पुटिंग डाउन ऑन द स्क्रीन फॉर यू। प्लीज पे अटेंशन टू वॉट आई एम पुटिंग डाउन ऑन द स्क्रीन फॉर यू। एवरीबडी फोकस। सबसे पहले, हाउ मेनी मेंबर्स? ओनली वन मेंबर। मिनिमम पेड अप कैपिटल, नो लिमिट। ओपीसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शुड इंडिकेट हुम, द नेम ऑफ द पर्सन हु विल बिकम ए मेंबर इन द इवेंट ऑफ द डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ द ओरिजिनल मेंबर। आर यू विथ मी ऑन दैट? यस और नो? सो हाउ मेनी मेंबर्स? वन पर्सन कंपनी, हाउ मेनी मेंबर्स? वन मेंबर। नंबर ऑफ मेंबर्स वन ओनली। मिनिमम पेड अप कैपिटल, यू हैव टू राइट साइमल्टेनियसली, प्लीज। आई होप यू आर राइटिंग। आर यू राइटिंग अलोंग विथ मी? मिनिमम पेड अप कैपिटल, नो लिमिट। मैं चाहता हूं कि आप सब लिखे और लिखने के बाद आपके लिखे हुए फोटोज मुझे लेक्चर के बाद चाहिए इस स्लाइड के। मास्टर चार्ट, यू आर सपोज टू राइट दिस डाउन विथ मी। प्लीज लिखिए। नंबर ऑफ मेंबर ओनली वन, मिनिमम पेड अप कैपिटल, नो लिमिट। इन द ओपीसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होगा? नेम ऑफ द पर्सन नॉमिनेटेड टू बी द मेंबर इन द इवेंट ऑफ डेथ और incapacity of the subscriber. Subscriber मतलब कौन? The original member, right?
The nominee should be what? He should be an natural person. Then he has to be what? Indian citizen. Then he or she has to be what? Resident. In the immediately preceding financial year. यदि वो ये नहीं हुए तो क्या होना चाहिए? Hundred and 82, is it correct or is it wrong? You tell me, how many days? How many days? 120. Perfect. Perfect. 120 at least. 120 days. Perfect. Next, ye sab kuch jab ho jayega, when all these conditions are satisfied, the nominee will file written consent with ROC in prescribed format on the incorporation of the company. Ye zaruri point. This written consent can be withdrawn. Here then what will happen? OPC will nominate a new person. Right? Next. OPC cannot be converted to a Section 8 company. It can be converted to private company and public company in select cases. Nominee kya minor ho sakta hai? Minor can never be a nominee. OPC cannot be converted, can be converted. OPC cannot do NBFC business and invest in shares of another entity or body corporate. If contravention made, what do we do in the case of contravention? Please pay attention. In the case of contravention, punishable with a fine for 10,000 and a further fine for 1,000 rupees every day for period of non-compliance. Fine of how much? 10,000 plus further fine of 4 period of contract. This is your OPC. This is your OPC. हुआ ना? एक स्लाइड में OPC revise? Yes or no? Please tell me that. ये OPC आपके नोटबुक्स में लिखा हुआ चाहिए. ये ओपीसी आपके नोटबुक्स में लिखा हुआ चाहिए. आर यू विथ मी ऑन दैट? यस और नो प्लीज टेल मी. यस सर. ये ओपीसी आपके नोटबुक्स में लिखा हुआ चाहिए और उस पे मुझे आज की डेट देखनी है. आई वांट टू सी टुडेज डेट ऑन दैट एंड आई वांट टू सी फोटोग्राफ्स सेंट बाय एवरी स्टूडेंट आफ्टर द लेक्चर. हूएवर स्टूडेंट डज नॉट सेंड द फोटोग्राफ आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड इन हिम और हर. आई नीड दिस मीन्स आई नीड दिस. एम आई क्लियर अबाउट दिस?
यस सर। क्लियर एवरीबॉडी? 100%? यस और नो? नाउ ऑन दिस नॉलेज कैन वी सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर सजेस्टेड आंसर्स? कैन आई रब इट? लिखा है सबने? क्या सबने लिखा है? गिव मी अ थम्स अप। फर्स्ट टाइम राइट है बाकी किसका बाकी है बाबा? तो राइट है। लिखिए लिखिए, नो प्रॉब्लम, लिखिए। I'm assuming now it's done. Can I rub it off? Yes. चलिए पहले सवाल पे चलते, पहले सवाल पे चलते। हाँ, बिफोर आई गो देयर, कंपनीज एक्ट का डिसेंबर 23 में एक्सपेक्टेड पैटर्न क्या होगा, प्लीज इसे समझिए। इसका एक्सपेक्टेड पैटर्न ये होगा। क्वेश्चन नंबर वन में एक 4 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में 6 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन नंबर 6 में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको आएगा। कुल मिला के 13 मार्क्स ये आपका एक्सपेक्टेड वेटेज है इस चैप्टर का। This is your expected weightage of chapter Companies Act 2013 in December 2023 attempt. यह आपका expected weightage है। Am I clear about this, ladies and gentlemen? Yes or no, please tell Yes, me. Clear? Okay. Yes, sir. ये लिखने की जरूरत नहीं है, यह आपको अभी दिख ही जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मई 21 के पेपर को देखते हैं। मई 21 कंपलसरी फर्स्ट क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन। सब्जेक्ट मैटर वाज 1% कंपनी। समझा भी हमने 1% कंपनी इतना क्यों इतने क्लोजली इसे रिवाइज किया? देखिए अब देखिए क्वेश्चंस कैसे आएंगे। व्हाई इनकॉर्पोरेटेड अ 1% कंपनी मेकिंग हिज सिस्टर जेड एज द नॉमिनी। सबसे पहला सवाल, क्या अपनी सिस्टर को वो नॉमिनी बना सकता है? बना सकता है। वो एक नेचुरल पर्सन है, इंडियन सिटीजन है, रेसिडेंट है, या तो 120 डेज के लिए है, या अजम्पशन पे वो बन जाती। बनने के बाद वो अपना कंसेंट फाइल करेगी आरओसी के साथ ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। जेड इज लीविंग इंडिया परमानेंटली ड्यू टू हर मैरिज अब्रॉड। उनका विवाह हो रहा है, वो बाहर जा रही है। ड्यू टू दिस फैक्ट शी इज विड्रॉइंग हर कंसेंट ऑफ नॉमिनेशन फ्रॉम ओपीसी। क्या वो विड्रॉ कर सकती है? कर सकती है, शी इज अलाउड टू डू दैट। Taking into consideration the provisions of Companies Act, answer the questions below. Is it mandatory for Z to withdraw her nomination if she is leaving India permanently? Yes, because she will not be in India for those many days. Can Z continue her nomination if she maintains the resident of status of resident after marriage? If she continues to be a resident, yes, she can continue. Abhi institute ka model solution ka language dekhna zaruri hai. Is it mandatory for Z to withdraw? Yes, it is mandatory for Z to withdraw her nomination in the said OPC as she is leaving India permanently. As only a natural person who is an Indian citizen and resident shall be a nominee in 1% company. What is the meaning of this? It means that when a natural person
who is an Indian citizen ceases to be a resident automatically, he or she cannot continue to be a nominee in a one-person company and shall withdraw their nomination. Very, very important point. Should be copied down by you, or you can take screenshot, whatever works. Second question, can Z continue her nomination of the OPC if she maintains her status of resident? Agar wo ye kar paati hai, to well and good. Wo apne shohar ko keh sakti hai, suniye ji, main wapas jana chahti hu for 120 days every year. Aapko mere saath chalna padega. शोर क्या बोलेगा? जी हाँ मैं चलूंगा. यदि वो ये बोलता है तो क्या बन जाती है? वो बन जाती है कंटिन्यू टू बी अ नॉमिनी. तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे बोलना पड़ेगा, अजी सुनते हो? इफ ही लिसन्स, वेल एंड गुड. जेड कैन कंटिन्यू हर नॉमिनेशन इन द ओबीसी इफ शी मेंटेन्स द स्टेटस ऑफ रेसिडेंट इन इंडिया आफ्टर हर मैरिज बाय स्टेइंग इन इंडिया for a period of not less than 182 days during the immediately preceding financial year or for a period of 120 days or more during the immediately preceding financial year. Yahan pe ye jo 182 days hai, ye students ke mind mein confusion create kar sakta hai. Isiliye ye lecture ke shuruaat mein amply clear kar diya gaya tha ki ya wo keval resident bane ya fir resident yadi na banti hai to 120 din ke liye unko rehna zaruri hai. तो वो जो लाइन हमने हाईलाइट की है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अंदर से, वो बेहद ज्यादा जरूरी बन जाती है. एम आई क्लियर अबाउट दिस लेडीज एंड जेंटलमैन? यस और नो प्लीज टेल मी दैट. एम आई क्लियर अबाउट दिस? गिव मी अ थम्स अप. ऑन द बेसिस ऑफ दिस, हैव वी अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर वन, विच इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स? ये 4 मार्क्स यस. सर एक्चुअली वो जो आपने लिखा है इंडियन सिटीजन के बाद क्या लिखा हुआ है? सीजेस. थैंक यू. सीजेस इज अ 4 मार्क्स क्वेश्चन. इज अ 4 मार्क्स क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन नंबर वन ऑफ मे 2013, ये 4 मार्क्स के लिए आया गया है. दिस इज योर 4 मार्क्स क्वेश्चन. Everybody understood? Whatever is necessary, take a screenshot. Whatever is necessary, take a screenshot. Let us move to the next question. Let us move to the next question. ये मैं request करूंगा कि आप ये लिखे जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है. स्क्रीनशॉट तो एटलीस्ट उतार के अपने पास रखे, लिखे नहीं तो एटलीस्ट स्क्रीनशॉट उतार के अपने पास में रखना जरूरी. एम आई क्लियर अबाउट दिस? चलिए, आई एम रबिंग दिस ऑफ. आई एम रबिंग दिस ऑफ. सॉरी, अगला सवाल 6 मार्क्स के लिए. अगला सवाल 6 मार्क्स के लिए. सवाल है, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एज पर द कंपनीज एक्ट. क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल. एक बार हमेशा याद रखिए, व्हेन आई टॉक अबाउट कंट्रोल, आपके माइंड में सीधा होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप आनी चाहिए. क्या आनी चाहिए? सीधा होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप आनी चाहिए. सबसे पहले मुझे बताइए कि कंट्रोल कैसे आता है. कंट्रोल कम्स बाय टू थिंग्स. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? बाय कंट्रोलिंग मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर इन अदर कंपनी और by having the ability to influence the composition
ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द अदर कंपनी। यदि कंट्रोल ना हुआ तो क्या होगा? चेक करने के लिए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे होगा? मोर देन 20% ऑफ द शेयर कैपिटल आपके कंट्रोल में होगा। तो मैंने हमेशा एक चार्ट दिया है, 0 to 20% क्या है? नथिंग। 20% to 50% क्या बन जाता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। यदि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हुआ तो कौन सी कंपनी बन जाती है? एसोसिएट। 51% एंड अबाव ये क्या बन जाता है? कंट्रोल। और अगर कंट्रोल है तो क्या बन जाता है? कंट्रोल है तो क्या बन जाता है? और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो क्या बन जाता है? एसोसिएट कंपनी। टेक अ स्क्रीनशॉट, कभी ना कभी तो काम में आएगा, क्विक रिवीजन में कभी ना कभी तो काम आएगा। एक मिनट, स्क्रीनशॉट लेने से पहले क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंट्रोल, क्या ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंट्रोल? टेक अ स्क्रीनशॉट, कभी ना कभी तो काम में आ ही जाएगा। एम आई क्लियर अबाउट दिस? ऋषि जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके मुझे बताइए, ले लिया कि नहीं? यस टेकन, वेल एंड सर। गुड। अब फोकस होगा लैंग्वेज ऑफ द आंसर पर। कॉन्सेप्ट आप समझ गए? कॉन्सेप्ट अब सारे बच्चे समझ गए? अब लैंग्वेज ऑफ द आंसर, 6 मार्क्स के लिए आपसे क्या एक्सपेक्टेड है इंस्टीट्यूट से, उस पर फोकस रखिए। 6 मार्क के लिए आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, इस पर फोकस रखिए। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। इन लाइन विद द कंपनीज एक्ट, द फॉलोइंग आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। फर्स्ट, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज। व्हाट आर दे सेइंग? होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज आर रिलेटिव टर्म्स। अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनीज। इसका मतलब ये होता है, एक होल्डिंग की मल्टीपल सब्सिडरीज हो सकती है। इसका मतलब क्या होता है? वन होल्डिंग कैन हैव मल्टीपल सब्सिडरीज, बट वन सब्सिडरी विल ऑलवेज हैव वन होल्डिंग। यू कैन बी कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल। इफ यू आर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल देन यू आर अ सब्सिडरी ऑफ नाइदर, यू आर अ सब्सिडरी ऑफ नाइदर। ये आप इन डेप्थ पढ़ेंगे सीए फाइनल इंड AS 110 इन योर FR पेपर फॉर द पर्पसेस ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी आपको इसको बॉदर करने की जरूरत नहीं। वन होल्डिंग कैन हैव मल्टीपल सब्सिडरी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वन होल्डिंग कैन हैव मल्टीपल सब्सिडरी। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन कंपनी कैन इंक्लूड एनी बॉडी कॉर्पोरेट। सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 डिफाइन्स अ सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी। ये एनी अदर कंपनी मतलब कौन सी? होल्डिंग कंपनी। कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एज आई सेड, इन्फ्लुएंस द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, ईदर ऑन इट्स ओन और टूगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज, और टूगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज। कंट्रोल्स और एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर, आइदर ऑन इट्स ओन और टूगेदर विथ वन और मोर सब्सिडरी। टूगेदर विथ वन और मोर सब्सिडरी। सर आप इस पे इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हो? आगे जाके देर आर क्वेश्चन वेर यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर दे आर होल्डिंग और सब्सिडरीज ऑफ ईच अदर। ये जरूरी है, ये जरूरी है। नेक्स्ट,
आगे का सेंटेंस और ज्यादा इंटरेस्टिंग। क्या कहता है आगे का सेंटेंस? प्रोवाइडेड दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब शल नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडरी बिहाइंड दोज प्रिस्क्राइब्ड। दिस इज गिवन इन सेक्शन 186 ऑफ द कंपनीज एक्ट। द नंबर ऑफ लेयर्स आर टू। यू डोंट हैव दैट इन योर सिलेबस बट आई एम टेलिंग यू बिकॉज इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम व्हेन यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट यू शुड नो दिस। Right now, you don't need to. You can check section 186 of Companies Act in your leisure time as interest and you will come to. Let me tell you one more thing. National Company Law Tribunal is a place where a chartered accountant can represent. Please remember, at tribunal level, chartered accountants can represent their clients. So whether it is Income Tax Appellate Tribunal or it is National Company Law Appellate Tribunal, you can go and represent your company. You don't have to be a practicing High Court attorney for that. Law ko seriously lijiye, a completely naya dimension of professional practice aapki god mein aake baith jayega. Out of exposure and experience hi aapko keh raha hoon. Please understand that much. Shall not have layers. Ye point likhna zaruri hai. This is the quality that will give you the extra marks in the exam. Ye qualitative aspect. For the purpose of this section, a company shall be deemed to be a subsidiary of the holding company, even if control referred to in subclause 1 and 2 is of another subsidiary company of the holding company. What is the meaning of this? The meaning of this is subsidiary company of your subsidiary is your subsidiary. आपके subsidiary की subsidiary आपकी subsidiary बन जाती है. Company A holding company है, इसकी subsidiary है company B. Company B की subsidiary company A की automatically subsidiary बन जाती है. आपके सब्सिडरी की सब्सिडरी आपकी सब्सिडरी बन जाती है. क्या है? आपकी सब्सिडरी आपकी सब्सिडरी आपकी सब्सिडरी की सब्सिडरी आपकी सब्सिडरी बन जाती है. इस बात को याद रखिएगा. A company shall be deemed to be मतलब assume to be a subsidiary of the holding, even if control is of another subsidiary of the holding. Samir shall be a subsidiary of Arul, even if control referred is of another subsidiary of Arul. Arul, iski subsidiary Dheeraj. धीरज की सब्सिडरी समीर. क्या समीर अरुल की सब्सिडरी बना? क्या समीर अरुल की सब्सिडरी बना? यस और नो? यस. टेल मी. कोमल की सब्सिडरी आलिया की सब्सिडरी करण. क्या करण कोमल की सब्सिडरी बना? यस और नो? प्लीज टेल मी दैट. आर यू विथ मी देयर? यस और नो? प्लीज टेल मी दैट. यस सर. 100%? 100%? यस सर. क्लियर है? ओके. ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन ये डिस्कशन ऑफ सजेस्टेड आंसर्स हो रहा है. ये डिस्कशन ऑफ सजेस्टेड आंसर हो रहा है, ये करना जरूरी. द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल बी डीम टू बी कंट्रोल इफ अनदर कंपनी एक्सरसाइजेस सम पावर एक्सरसाइजेबल एंड कैन अपॉइंट और रिमूव All or a majority of directors. All or a majority of directors. अब आपके लिए एक केस स्टडी बना रहा हूं. ध्यान से केस स्टडी को देखिएगा. रिकॉर्डिंग पॉज होगी 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, और आपका केस स्टडी आपके लिए बन जाएगा. आप यदि चाहो तो आप एक 5 मिनट्स का ब्रेक अब इस पॉइंट पे ले सकते हो. आप एक 5 मिनट्स का ब्रेक इस पॉइंट पे ले सकते हो जब तक कि मैं ये ओके. अब डिस्कस करना है
होल्डिंग और सब्सिडरी के ऊपर कुछ केस स्टडीज आपके लिए आपके स्क्रीन पर कुछ केसेस बना करके रख दिए गए हैं। ये सारे केसेस हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहला, शुरुआत से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी होती है पब्लिक कंपनी की, वो डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी कहलाती है। इसका मतलब यह है कि वो प्राइवेट कंपनी हो सकती है, लेकिन कायदे के निगाह से, कायदे के दृष्टिकोण से, कायदे के तहत वो प्राइवेट कंपनी जो एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, वो भी एक पब्लिक कंपनी ही कहलाती है। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब चलिए एक के बाद एक सारे आपके केसेस को स्टडी करते हैं। पहला केस, नेम ऑफ द कंपनी इज ए प्राइवेट लिमिटेड, इसके 50% आर हेल्ड बाय एबीसी लिमिटेड। इसमें 5 डायरेक्टर है और एबीसी लिमिटेड 2 डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव कर सकता है। तो बताइए क्या ए प्राइवेट लिमिटेड एबीसी लिमिटेड की सब्सिडरी हुई? आई एक्सपेक्ट द आंसर फ्रॉम अरुल, आई एक्सपेक्ट द आंसर फ्रॉम देवराज, आई एक्सपेक्ट द आंसर फ्रॉम आदर्श। टेल मी, बिल्कुल इज ए प्राइवेट लिमिटेड अ सब्सिडरी ऑफ एबीसी लिमिटेड, येस और नो? कोमल इज नो सेम, नो करण इज सेम, सर बताइए देवराज, क्या ये यस सर सब्सिडरी हुई एबीसी लिमिटेड की? नो सर, क्योंकि क्यों नहीं? सर उसमें मेजोरिटी ज्यादा चाहिए रहता है। मेजोरिटी ज्यादा चाहिए होता है, बराबर है, लेकिन अभी आपको आंसर कैसे देना है? आपको ऐसे बोलना है कि सर, फॉर वन कंपनी टू बी ए सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी, दैट अनदर कंपनी हैज टू कंट्रोल एटलीस्ट 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और शुड बी एबल टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, विच मीन्स दैट इट हैज टू हैव द एबिलिटी टू अपॉइंट और रिमूव ए मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। अपॉइंट और रिमूव व्हाट? ए मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। आर यू विथ मी ऑन दैट? यस और नो, प्लीज टेल मी। यस अपॉइंट और रिमूव व्हाट? ए मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। ओवर हियर, डज ए बी सी लिमिटेड, डज ए बी सी लिमिटेड कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड, येस और नो? नो इट डज नॉट। डज इट हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, विच मीन्स दैट इट कैन अपॉइंट और रिमूव अ मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स? नो इट डज नॉट। माई डियर फ्रेंड्स, ओवर हियर यू आर सपोज टू ड्राफ्ट योर आंसर इन द फॉलोइंग वे। आई होप यू आर पेइंग अटेंशन टू द ड्राफ्टिंग। आर यू देयर? आई होप यू आर पेइंग यस सर अटेंशन टू द ड्राफ्टिंग। प्लीज पे अटेंशन। वी आर रेफरिंग टू सेक्शन नंबर 2, सबसेक्शन 87। व्हाट इज द सबसेक्शन? वी आर रेफरिंग टू सेक्शन नंबर 2, सबसेक्शन 87। प्लीज पे अटेंशन। सेक्शन नंबर 2, सबसेक्शन 87। नाउ लुक एट हाउ द ड्राफ्टिंग हैज टू बी डन। एज पर सेक्शन नंबर 2, सबसेक्शन 87 ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, अ कंपनी बिकम्स अ सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी इफ सच अदर कंपनी ए कंट्रोल्स और एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इटसेल्फ और इन इटसेल्फ और टूगेदर विथ, यू कैन यूज योर ओन लैंग्वेज,
इट्स अदर सब्सिडियरीज, और हैज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सच कंपनी. हियर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इंप्लाइज the ability to appoint or remove a majority of the directors of the company in the extant case at hand, in the extant case at hand, comma, Company ABC Limited controls a 50% of the voting power of A Private Limited and B has the ability to appoint or remove two out of five directors, comma, which is not a majority, hence it can be seen that here you will write less than one half. The conditions which evidence, this is an important word, control under section 2, subsection 87 of the Act are not present, thereby Company A Private Limited is not a subsidiary of ABC Limited. Full stop. However, by virtue of being able to control more than 20% of the voting power / share capital, A Private Limited, or more than share capital, ABC Limited has ability to exert significant influence under section 2, subsection 6 over. इधर हैशटैग मार रहा हूं, हैशटैग इधर कंटिन्यू, ओवर कंपनी ए प्राइवेट लिमिटेड, देयर बाय मेकिंग इट एन एसोसिएट कंपनी ऑफ एबीसी लिमिटेड. आर यू विथ मी ऑन दैट? नाउ कम्स एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर यू टू पे अटेंशन टू. First aspect, headings, provisions of the Indian Companies Act of 2013. Facts, or you can say analysis, or you can say facts. And here you can say conclusion.
और एनालिसिस। राइट लाइक दिस द आंसर ऑफ केस स्टडीज इन द एग्जाम्स एंड आई बिलीव यू हैव नो रीजन नॉट टू स्कोर एटलीस्ट 4.5 आउट ऑफ 6। एम आई क्लियर अबाउट दिस लेडीज एंड जेंटलमैन? हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू राइट अ केस स्टडी आंसर? व्हेन यू टुक एडमिशन इन एपेक्स एकेडमिक्स वॉज इट कमिटेड टू यू दैट आई विल टीच यू हाउ टू राइट द केस स्टडीज? येस और नो? यू टेल मी दैट। येस और नो? यू टेल मी यस दैट। सर। एंड दैट इज एग्जैक्टली वॉट वी आर डूइंग। एंड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ योर लॉस सब्जेक्ट विल बी ओवर, योर स्टैट्स विल बी ओवर, एंड इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर योर बीसीआर विल बी ओवर। बाय द एंड ऑफ अक्टूबर लॉ मैथ्स इको खटैक। प्लीज अंडरस्टैंड वेर वी आर गोइंग एंड प्लीज डू द होमवर्क फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स। फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स नो हॉलीडेज फॉर होमवर्क, नो हॉलीडेज फॉर होमवर्क। प्लीज टेक दिस डाउन। And it's possible that today's lecture will extend into the maths lecture. In that situation, maths lecture will not be there. We will do only law today. Tomorrow we'll do maths. Tomorrow we will not do law. I have to start a new chapter in maths. I will do that comfortably. Tomorrow you can send a message on the other WhatsApp group. Not at all a problem. But we will not stop the law linkage today. Am I clear about this? The law Yes, linkage sir. will not stop. Yes, Please sir. take a screenshot of this. Yes, sir. Take it. Rishi, screenshot taken? Yes, sir. I expect this to be written today. Okay, I'm erasing this. Screenshots to be circulated at the end of the lecture. Screenshots to be circulated at the end of the lecture. Yes, sir. Second case. Now look here. ABC Private Limited, A Private Limited, 25% held by ABC. 15% held by PQR. How many are there? 5 directors are there. And 4 can be appointed or removed by PQR. PQR is a subsidiary of XYZ. Now tell me one thing. There is a company XYZ. Uska subsidiary hai PQR. Jo ye A Private Limited ko kya kar sakta hai? Uske composition ko hila sakta hai. So A Private Limited indirectly kiska subsidiary bana? XYZ का बना कि नहीं बना? यू टेल मी दैट। सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी इज माई सब्सिडरी। आपके सब्सिडरी की सब्सिडरी आपकी सब्सिडरी बनी। ये आप हो, ये आपकी सब्सिडरी है, और क्या ये आपके सब्सिडरी की सब्सिडरी है? प्लीज टेल मी दैट। क्या एबीसी प्राइवेट लिमिटेड पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी बनती है? यस और नो? अब मेरा अहम सवाल, इज ए प्राइवेट लिमिटेड अ पब्लिक कंपनी? यस और नो? प्लीज टेल मी दैट। अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज अ डीम पब्लिक कंपनी। ए प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ एक्स वाई जेड। व्हाई? बिकॉज अ सब्सिडरी ऑफ द सब्सिडरी इज योर सब्सिडरी। आर यू विथ मी? यस और नो? प्लीज टेल मी दैट। Are you with Yes, me? sir. No, please tell me that. Yes, And A Private Limited is an associate of ABC Limited. A Private Limited is an associate of ABC Limited. Is this point clear? Yes or no? Please tell me. Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. So, your answer. ABC Private Limited, ABC Limited था ना? क्या था वो दूसरे कंपनी का नाम? ABC Limited, ABC Limited. ABC Limited controls 25%. अब ये दूसरे तरीके से दिखा रहा हूं आंसर लिखना, ये देखिए कैसे controls 25% of the share capital of A Private Limited. By virtue of section 2 subsection 6, comma, since ABC Limited controls more than 20% of the share capital slash voting power, it has the ability to exert significant influence over A Private Limited.
हेंस कॉमा ए प्राइवेट लिमिटेड इज एन एसोसिएट कंपनी ऑफ एबीसी लिमिटेड। एक कंपनी एक टाइम पे एक की सब्सिडरी भी हो सकती है, एक की एसोसिएट भी हो सकती है, कायदे में इसे नहीं रुका सकते। एक कंपनी एक ही वक्त पर किसी एक की सब्सिडरी और किसी दूसरे की एसोसिएट बन सकती है। ये कायदे में बिल्कुल ही अलाउड है, इसको कायदा किसी तरीके से रुकाता नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट पीक्यूआर लिमिटेड हैज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड। पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड था ना, एक मिनट, पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड लिखा था शायद मैंने, एक मिनट, पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड जी। कॉमा बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग एबल टू अपॉइंट और रिमूव अ मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग एबल टू अपॉइंट और रिमूव अ मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड। हेंस अंडर सेक्शन टू सबसेक्शन 87 पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड हैज द एबिलिटी टू कंट्रोल ए प्राइवेट लिमिटेड कॉमा देयर बाय मेकिंग ए प्राइवेट लिमिटेड अ सब्सिडियरी ऑफ पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड। फर्दर मोर इट मस्ट बी नोटेड दैट पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड इटसेल्फ इज अ सब्सिडरी ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड। सेक्शन टू सबसेक्शन 87 क्लैरिफाइज दैट ए सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ सब्सिडरी ऑटोमैटिकली बिकम्स अवर सब्सिडरी। राइट इट लाइक दिस, यू विल नॉट लूज मार्क्स। हेंस बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन टू सबसेक्शन 87 ए प्राइवेट लिमिटेड अ सब्सिडरी ऑफ पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड विच इज अ सब्सिडरी पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड डबल कॉमा विच इज अ सब्सिडरी ऑफ
एक्स वाई जेड लिमिटेड बिकम्स अ सब्सिडरी ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड फाइनली कॉमा इट मस्ट बी अप्रिशिएटेड दैट The subsidiary of a public company is a deemed public company and hence, comma, a private limited is a subsidiary of XYZ limited and also A deemed public company by that virtue slash merit. इसने बोला मुझे सिर्फ अकाउंट्स पढ़ाने आते, लॉ देखा नहीं अभी तक, सीए फाइनल में और लॉ क्या होता है दिखाता हूं. आर यू क्लियर अबाउट दिस? Are you clear about this? Yes or no? Yes, sir. Yes. समझ में आ रहा है लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, क्या प्रैक्टिस करना है? लैंग्वेज समझ में आ रही है, क्या लिखनी है लैंग्वेज? ये प्रैक्टिस आज होनी चाहिए. बाकी के सारे आपको होमवर्क में दे दूं, क्या होमवर्क में लिख के मुझे मिलेगा? ऐसी लैंग्वेज चाहिए, ऐसी लैंग्वेज चाहिए. आपकी चेकिंग की जाएगी, मैं खुद चेकिंग करूंगा आपकी. आपकी चेकिंग करने के लिए मैं खुद बैठूंगा, अनरिकॉर्डेड लेक्चर गूगल ड्राइव खोल के आपके साथ चेक करूंगा. ऐसा नहीं है पब्लिकली आई चेक इट, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. ऐसा मत सोचो अरे मेरा आंसर सबको सामने चेक हुआ मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, फायदा ही होगा. अरे बात समझ में, लेकिन आई एक्सपेक्ट ये लेवल ऑफ राइटिंग फ्रॉम यू. समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? आर यू विथ मी ऑन दैट स्टूडेंट्स? आर यू विथ मी ऑन दैट? कीप इन माइंड आई एक्सपेक्ट दिस लेवल ऑफ राइटिंग फ्रॉम यू. इज दिस क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट. यस सर, टेकन टेकन. वन सेकेंड, होल्ड ऑन. Take a screenshot. These are your homework questions. One second, Rishi, before you take a screenshot. These are your situations. I would like you to say whether What is the relationship? You have to find out. So I'll quickly discuss the answers with you so that writing the answers becomes easy. Or you want to write the answers on your own? Discuss karu ki nahi karu? Nahi sir, khud se karte ek baar try. Theek hai. I want the answers written in the format that I have shown you. I want the answers written in the format that I have shown you and I want the answers tonight. मतलब आपके लेक्चर के बाद ये सॉल्व हो जाना चाहिए. ऑल्सो बाय टुमोरोज लेक्चर आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन आंसर्स ओनली, नहीं तो क्वेश्चन लिखने में 4 घंटे वेस्ट कर दोगे ऑफ सजेस्टेड शीट.
answers only of suggested sheet. Are we clear about this? Yes or no? I want answers only of suggested sheet. Is that clear? Yes or no? Is that clear? Yes or no? Sir. Answers only of all the questions that I will finish discussing. Let us go back to suggested sheet. तो जैसा कि हम देख रहे थे, हमारा सवाल था एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन कंट्रोल. क्या था? एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन कंट्रोल. तो कंट्रोल के तहत क्लासिफिकेशन होता है होल्डिंग एंड सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनीज. होल्डिंग और सब्सिडरी में रिलेशनशिप तब बनती है जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को कंट्रोल कर सकती है. कंट्रोल कर पाने के लिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 के तहत कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अ मस्ट और एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑन इट्स ओन और टूगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज इज अ मस्ट. Provided that such class or classes of holding companies as may be prescribed shall not have layers of subsidiaries beyond such numbers as may be prescribed. आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं, ये दो लेयर्स होता है और ये सेक्शन 186 में मेंशन्ड है, आपके सिलेबस में नहीं है. For the purpose of this company, a company shall be deemed to be a subsidiary company of the holding even if control referred to in subclause 1 or 2 is of another subsidiary of the holding company. ये fact है. For the purpose of this section, composition of the board of directors will be there if majority of directors can be appointed or removed. इसमें ये दो पॉइंट यदि आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, ये दो पॉइंट यदि आप नहीं लिखोगे तो चल जाएगा, इतना बड़ा नुकसान नहीं है. जो है वो क्लियरली आपको बता दे रहा हूं. आगे देखिएगा, एसोसिएट इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी has a significant influence but which is not a subsidiary having such influence includes a joint venture company. Significant influence means control of at least 20% of the total voting power or participation in the business decisions under agreement. What does significant influence come from? Yaad rakhiye, iska chart maine diya tha aapko. This comes from at least 20% of the voting power or participation in the business decisions. इसका चार्ट हमारे पास है, यस और नो प्लीज टेल मी. क्या ये चार्ट आप ड्रॉ कर चुके हो? अनुराग के दिए हुए स्क्रीनशॉट्स में ये चार्ट है. आर यू विथ मी ऑन दैट? यस सर. यस सर. ये करना जरूरी है. बताइए, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किन दो चीजों से हासिल हो सकता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किन दो चीजों से प्राप्त हो सकता है? पहली चीज क्या है? कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20%. कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और व्हाट? पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजंस अंडर एग्रीमेंट. माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी कोचिंग क्लास में जाइए, कुछ भी जाइए, जो बोलेगा वो कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल ऐसा वैसा उधर इधर समझ जाओ. जब तक आप ये वर्ड्स ऐसे के ऐसे एग्जाम में नहीं लिख के आओगे, आपको मार्क्स घंटा नहीं मिलने वाले. ऑन पब्लिक रिकॉर्ड बोलता हूँ, घंटा मार्क्स नहीं मिलेगा तुमको, जो उखाड़ना उखाड़. सर ऐसी लैंग्वेज पब्लिक में? हाँ, बोला तो डरू मैं? शकल देखिए मेरी, इससे लोग डरते हैं. माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अ थियरी पेपर. माय इनोसेंट चिल्ड्रन, दिस इज अ थियरी पेपर. अंटिल एंड अनलेस यू आर नॉट राइटिंग दीज की वर्ड्स, हाउ कैन यू इवन एक्सपेक्ट दैट द इंस्टीट्यूट विल गिव यू मार्क्स फॉर योर लेबर्स? They cannot enable the institute to pass you. The institute is your friend, not your enemy. ये जो सब चोर लोग है ना, दुकान खोल के बैठे हैं यूट्यूब पे, इंस्टीट्यूट को गालियां देते. क्यों गालियां देते? उनमें ना ये बोलने की जिगर डेरिंग नहीं होती है कि बेटा रट्टा मार. ये बोलने के लिए ना भी हिम्मत चाहिए. अरे सर सब बोलते रट्टा नहीं मारना चाहिए. ठीक है, मत मारो रट्टा. दिसंबर के बाद जून है, जून के बाद दिसंबर है, काल का चक्र चलते रहेगा. मत मारो रट्टा. आपको जो सुनना है दूसरे से सुनो.
जून 24 की एपेक्स की बैचेस खुली आपके लिए, आ जाओ, मैं ना नहीं बोलता, मेरा अच्छा है। प्लीज अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू मेमोराइज, यू हैव टू मगअप, और आपको राइटिंग प्रैक्टिस अनिवार्य है, आपको ये चीजें लिखनी ही पड़ेंगी। एम आई क्लियर अबाउट दिस, येस और नो? हाँ, अभी इसमें यदि आप ये पॉइंट स्किप कर दोगे तो सर चलेगा क्या? एक्सेप्टेबल होगा अगर आप इसे स्किप करोगे, एक्सेप्टेबल है इसे स्किप कर दो, लेकिन ये पूरा थियरी, ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको लिखना ही पड़ेगा। इसको स्किप करो, चलो मैं मानता हूं इंस्टीट्यूट भी माफ कर देगी, लेकिन ये होना ही चाहिए, ये टिक मार्क, ये टिक मार्क और ये टिक मार्क। एम आई क्लियर अबाउट दिस, यस और नो? प्लीज टेल मी दैट। मैं क्लियर अबाउट दिस, यस सर। आगे चलते हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ गारंटी कंपनी एंड अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल? तो सबसे पहले एक बात को समझ के चलिए, गारंटी कंपनी क्या होती है? गारंटी कंपनी वो कंपनी होती है जो आपको एक कंट्रीब्यूशन करने पे कंपलसरी कर देगी, ओनली ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। आपकी एक गारंटी होती है जब आप मेंबरशिप लेते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो इस कंपनी का। वो क्या होती है गारंटी? कि जब कंपनी वाइंडिंग अप करेगी तो उस समय पर हम एक अमुक कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे जब वाइंडिंग अप हो रहा है, या वाइंडिंग अप या हम मेंबर जब सीज करेंगे मेंबर बनने का उसके 1 साल के अंदर अंदर। मीन्स व्हेन डज अ गारंटी शेयर होल्डर मेक हिज कॉन्ट्रीब्यूशन? ईदर ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और विद इन 1 ईयर ऑफ सीजिंग टू बी अ मेंबर, विद इन 1 ईयर ऑफ सीजिंग टू बी अ मेंबर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे अभी हम गारंटी कंपनी के अंदर। देखिए इसको समझना जरूरी है, ये गारंटी कंपनी का पॉइंट। ओके, जस्ट होल्ड ऑन, सेक्शन 8 कंपनी है इधर, निधि कंपनी, गारंटी कंपनी कहाँ गया? सर आपको मॉड्यूल के पेज नंबर याद नहीं है? हाँ, उसके मार्क्स नहीं मिलते, ये सब फालतू गिरी होता है ना, फेकनेस। मॉड्यूल के पेज नंबर याद नहीं आपको? नहीं याद है, क्या करूं याद करके? द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, डिफाइंड एज हैविंग इट्स लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज मेंबर्स में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक इन द इवेंट ऑफ द कंपनी बीइंग वाउंड अप। तो लायबिलिटी कब अराइज होगी? इन द इवेंट ऑफ कंपनी बीइंग वाउंड अप। द डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ कंपनी, गारंटी कंपनी एंड शेयर कैपिटल, इज दैट इन द फॉर्मर केस द मेंबर्स कैन बी कॉल्ड अपॉन टू डिस्चार्ज देयर लायबिलिटी ओनली आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस, बट इन द लेटर केस दैट इज इन शेयर कैपिटल कभी भी बुला सकता है, एनी टाइम और ड्यूरिंग वाइंडिंग अप, बट इन गारंटी कंपनी गिव द कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। इसका क्विकली आपको एक चार्ट बना के दे दूंगा, क्योंकि चार्ट इज द बेस्ट वे टू लर्न द सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे, यहां पे लिखता हूं टाइप ऑफ कंपनी, यहां पे आता है गारंटी कंपनी और यहां पे आता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल। गारंटी कंपनी मेंबर्स टू मेक द कॉन्ट्रीब्यूशन गारंटीड ओनली इन दी इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल एंड नाउ मेंबर्स मेक द कॉन्ट्रीब्यू, व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन? दिस इज अमाउंट कमिटेड वाइल सब्सक्राइबिंग। नाउ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, व्हाट अबाउट दिस? मेंबर्स टू पे स्लैश कॉन्ट्रीब्यूट द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर कैपिटल एट एनी टाइम
कॉल्ड अ बाय द कंपनी एंड नॉट नेसेसरीली ओनली वाइंडिंग अप. सो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल कैन कॉल अप दिस मनी एट एनी टाइम, बट गारंटी कंपनी विल कॉल अप द मनी ओनली व्हेन ओनली ऑन वाइंडिंग अप. आर वी क्लियर अबाउट दिस? यस और नो प्लीज टेल मी दैट. आर वी क्लियर अबाउट दिस लेडीज एंड जेंटलमैन? डू वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ द टाइप्स ऑफ द कंपनीज? डू वी यस अंडरस्टैंड द सर, डिफरेंस बिटवीन द बोथ द टाइप ऑफ द कंपनीज? दिस इज यस सर, अ चार्ट फॉर स्क्रीनशॉट. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. यस सर, टेकन. टेकन? एनी स्टूडेंट इज राइटिंग? एनी स्टूडेंट इज राइटिंग? नो. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट. टेकन? आई एम इरेजिंग. यस सर. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ गारंटी कंपनी एंड दिस? This question has 3 marks. It's a question 6 question. It has 3 marks. It's a 3 marks question. First, you note this. Now, the difference between a guarantee company defined under section 2, subsection 21, and a company having a share capital under section 2, subsection 22, the following differences. In case of guarantee company, the members can be called upon to discharge their liabilities only after the commencement. Now, hold on, look at the word. Members can be called upon to discharge their liability. This is the key word. Only after the commencement of the winding up and only certain to certain conditions. Whereas in case of a company, members can be called upon to discharge their liability at any time during the company's lifetime or during the winding up. So, anytime during the lifetime or during the winding up. And what is the important word here? Discharge their liability. So what is the main difference? The main difference is mode, or rather I will say timing of discharge of liability. And also, it is important to note that it is mode also. Why? It can be money, it can be assets. You have to contribute anything in case of guarantee company. But shares, it is only money. It is clear from the definition of the guarantee company that it does not raise its initial working funds from its members. Keyword. Therefore, such a company may be useful only when no working funds are needed, or when these funds can be held from other sources like endowment fees, charges, donations. मतलब मेंबर को कैपिटल कंट्रीब्यूशन करने की जब जरूरत नहीं होगी तब वो गारंटी कंपनी चालू करेगा. जब मेंबर्स को कैपिटल कंट्रीब्यूशन जरूरी नहीं होगा तब ही वो गारंटी कंपनी चालू करेंगे. दिस इज अ केस लॉ. यदि आप आपके आंसर के साथ केस लॉ लिखते हो तो आप एक्सपेक्ट कीजिए आपको 1 मार्क एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा. यदि आप इतना लिख के आओगे आपको 1.5 आउट ऑफ 3 मिलेगा. आप ये लिख के आओ केस लॉ के साथ, आप एक्सपेक्ट करेंगे 2.5 आउट ऑफ 3. इन नरेन कुमार अग्रवाल वर्सेस सूरज मल्लू, सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन दैट द राइट ऑफ गारंटी टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ट्रांसफर बाय अ मेंबर ऑफ हिज इंटरेस्ट इज ऑन अ डिफरेंट फुटिंग देन दैट ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर. मेंबरशिप ऑफ गारंटी कंपनी कैन कैरी प्रिविलेजेस मच डिफरेंट देन दोज ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर. मतलब क्या? गारंटी दी मैंने, कंपनी ने मांगा, तब मैंने मेरी मेंबरशिप दूसरे को दे दी, तब मैंने जाके बोला कि भैया उससे रिकवर करो पैसा. ऐसा नहीं चलेगा. गारंटी किन्होंने दिए? आपने दिए, आप ही कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे. यह बात को समझना बेहद ज्यादा जरूरी. कैन सेक्शन 8 कंपनी बी अ गारंटी कंपनी? नो इट कैनॉट.
No, it cannot. Section 8 company is a company started for specifically charitable objects. It will have a share capital. Members can contribute, guarantee something. However, Section 8 company is not looked at in the light of a guarantee company. This analysis is beyond your syllabus. Do not enter into those realms. I'm not discouraging you from thinking. I'm saving your time since exams are closed. I hope you appreciate that. I hope you appreciate that. Right? यह पूरा आंसर आपने लिखना है, और यदि आपको यह पूरा लिखने को नहीं याद आया तो भी चलेगा चलेगा, लेकिन आप यहां पे लिखेंगे रेफर केस लॉ नरेन कुमार अग्रवाल वर्सेस सूरज मल्लू, इतना लिख के आइए, इतना खाली वर्ड लिख के आइए, केस लॉ ऐसा लिखिए, रेलिवेंट केस लॉ ऐसा लिखिए, रेलिवेंट केस लॉ अंडरलाइन कीजिए ऐसा हाइफन मार के, यहां पे लिखिए नरेन कुमार अग्रवाल वर्सेस सूरज मल्लू, इतना लिखो खाली, सरोज मल्लू सॉरी सरोज मल्लू, इतना लिखो खाली, मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। सर ये इतना याद नहीं लिख हो पाएगा, मैं समझता हूं इस बात, ये आज नहीं हो पाएगा, लेकिन यदि इसे रोज रोज पढ़ेंगे तब नवंबर महीने में जरूर याद रह जाएगा। लेकिन क्या याद रहना चाहिए एंड तक? नरेन कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मल्लू, एम आई क्लियर अबाउट दिस? यस और नो? यस और नो? यस सर। ये खत्म हुआ आपका एक, ये पहला पेपर 13 मार्क्स का। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू? तो आज के होमवर्क में ये 13 मार्क्स का तो लिखना ही है। At this juncture, I am giving you a 5. Now we have finished your May 21 paper. May or June 21 is over. Now we are going to December 21. Now see, pay more attention to the December papers. Why? December का अपना एक trend होता है. वो trend के तहत अपने को जाना है. Interesting question. Good question. देखेंगे. क्या कहता है ये क्वेश्चन? कंपल्सरी क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ डिसेंबर 21, 4 मार्क्स। इसका सब्जेक्ट मैटर है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस क्या होता है? वो सारे एक्ट्स जिसको करने की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपको परमिशन नहीं देता। इस पे ये पॉइंट मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्ट्रा वायरस क्या होता है? ऑल दोज एक्ट्स नॉट परमिटेड अंडर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मुझे बताइए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किस सेक्शन के अंदर हम रेफर कर सकते हैं और किस सेक्शन के अंदर ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, बताइए मुझे, कम ऑन टेल मी, विश्वनाथ भूमि विशाखा टेल मी विच सेक्शन एम आई रेफरिंग टू, सेक्शन नंबर बताइएगा, सेक्शन नंबर बताइए, सेक्शन 399, परफेक्ट आंसर पीयूष, अंडर सेक्शन 399 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ व्हाट डॉक्यूमेंट? इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट विच कैन बी इंस्पेक्टेड कॉपीड फ्रॉम हूम? फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बाय पेमेंट ऑफ व्हाट? नॉमिनल फीस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ना बेहद ज्यादा जरूरी है किसी भी व्यक्ति के लिए कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एवं ट्रांजैक्शन में एंटर करने से पहले, क्योंकि उसे पता चलता है कि कंपनी की लिमिट ऑफ पावर्स क्या है। यदि इस लिमिट के अंदर कंपनी है तो यह आदमी यह पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकती कि उसे तो ये मालूम ही नहीं था कि ये कंपनी को करने की अनुमति नहीं थी। कौन?
ये कहता है सेक्शन 399 की वजह से देर इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के वीडियोस देखना बहुत जरूरी है, जिसमें हमने ये चार्ट्स ड्रॉ किए हुए हैं। इन चार्ट्स में हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि यदि कोई कंपनी अपने एमओए और एओए से बढ़कर कोई भी एक्ट यदि करेगी और उस एक्ट की वजह से किसी भी व्यक्ति का यदि नुकसान होता है तो कंपनी इसकी जिम्मेदार नहीं होती है। बिकॉज अंडर सेक्शन 399 कोई भी व्यक्ति कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को पढ़कर उन्हें समझेगा, ये हर एक से एक्सपेक्टेड होता है। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। आर यू विथ मी? यस और नो? गिव मी अ थम्स अप इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो जब भी आप अल्ट्रा वायरस ये लीगल टर्म सुनेंगे, हैंड इन हैंड हमेशा क्या जाएगा? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जाएगा। और ये कौन सा सेक्शन कंट्रोल करता है? सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अल्ट्रा वायरस के लिए कंस्ट्रक्टिव नोटिस का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज इस सजेशन को इग्नोर मत कीजिएगा। अच्छे खासे मार्क्स स्कोर करने का मौका आप गवा बैठेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एके प्राइवेट लिमिटेड हैज बोरोड 36 करोड़ फ्रॉम बीके फाइनेंस लिमिटेड, 36 करोड़ रुपया बोरो किया। हावेवर एज पर मेमोरेंडम ऑफ एके प्राइवेट लिमिटेड द मैक्सिमम बोरोइंग पावर ऑफ द कंपनीज इज 30 करोड़। क्या कंपनी अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल से बढ़कर उसके अगेंस्ट जाकर उसमें दिए गए राइट से ज्यादा कुछ करकर ये पैसा बोरो कर रही है? जी हाँ। आपको अलाउड कितना है? 30 करोड़। अलाउड कितना है? 30 करोड़ आपको अलाउड है, पर आप बोरो कितना करके आ रहे हो? आप बोरो कर रहे हो 36 करोड़। आपने कितना बोरो किया है? 36 करोड़ यू आर बोरोइंग। दिस इज अल्ट्रा वायरस। Examine whether AK Private Limited is liable to pay this debt. Is it liable to pay this debt? Absolutely not. इन्होंने एक अल्ट्रा वायरस एक्ट की, जिसकी जानकारी मेमोरेंडम के तहत आपको सेक्शन 399 में मिल सकती थी। क्या आपने ये ढूंढने की कष्ट उठाए? नहीं। और आप उनको 36 करोड़ रुपए दे बैठे। 30 करोड़ तक प्रोटेक्टेड हो, उसके आगे 6 करोड़ गया खड्डे में, याद रखो इस बात को। स्टेट द रेमेडी इफ एनी अवेलेबल टू बीके फाइनेंस लिमिटेड। डायरेक्टर्स को सू करो, सीधा सीधा बोलता हूं, डायरेक्टर्स को सू करो। क्या इसके अलावा आप कुछ भी और कर सकते हो? एब्सोल्युटली नॉट। आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बीके फाइनेंस लिमिटेड आपसे एक्सपेक्टेड था कि आप सेक्शन 399 के तहत आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को पढ़े, उसका मतलब समझे। क्या आपने वो किया? नहीं किया। तो क्या आप खुद ही जिम्मेदार हो? जी हाँ, हम खुद ही जिम्मेदार हैं। देखिए मॉडल सॉल्यूशन ऑफ आईसीएआई क्या कहता है। This case is governed by the doctrine of ultra-virus. Accepted. According to this doctrine, any act done or contract made by the company which travels beyond the power conferred upon it by memorandum or articles is wholly void and inoperative in law, and therefore it is not binding on the company. It is not binding on the company. Yahan par keywords. This case is governed by doctrine of ultra-virus.
अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन एनी एक्ट डन और एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय कंपनी व्हिच ट्रेवल्स बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी कॉन्फर्ड अपॉन इट बाय मेमोरेंडम इज होली वॉइड एंड इनऑपरेटिव इन लॉ एंड नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। ये जो अंडरलाइन कर रहा हूं ये आपके कीवर्ड्स हैं, आप आंसर आपकी भाषा में जरूर लिखिएगा लेकिन ये वर्ड्स आपके आंसर में होना बेहद ज्यादा जरूरी है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये कीवर्ड्स हैं आपके आंसर में आने ही चाहिए। कीवर्ड्स अप्रोच फॉर राइटिंग थियरी आंसर्स, प्लीज फोकस ऑन दैट। नो आर्ग्यूमेंट्स विल बी एंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड। यू कैन आर्ग्यू देन बेटा यू विल लूज योर मार्क्स। लेट मी टेल यू दैट ब्लंटली ऑन योर फेस। This is because the memorandum of association of the company is in fact its charter. It defines its constitution on the scope and powers of the company. खोलिए आपका memorandum of association का charter. उसमें पहले words ही ये लिखे थे कि it is the charter of the company, defines the constitution and defines the power and its scope of the company. A company cannot depart from the provisions contained in memorandum. However, इंपरेटिव में बी द नेसेसिटी फॉर द डिपार्चर। कितना भी जरूरी क्यों ना होने दो आप उससे डिपार्ट नहीं कर सकते। एनी एग्रीमेंट अल्ट्रा वायरस द कंपनी शेल बी नल एंड वॉइड। एनी एग्रीमेंट अल्ट्रा वायरस शेल बी नल एंड वॉइड। ऑल आर की वर्ड्स। वेदर एके प्राइवेट लिमिटेड इज लायबल टू पे द डेट, नो। एज पर द फैक्ट्स एके बोरोड 36 फ्रॉम बीके विच इज बियॉन्ड द बोरोइंग पावर ऑफ 30। Contracting for 36 being ultra virus, the memorandum of association and the articles thereby ultra virus act is void. AK is not liable to pay the debt. AK is not liable to pay the debt. Remedy available to BK. In the light of the position explained above, BK cannot enforce the said transaction, has no remedy against the company for the recovery. BK may take action against the directors as the personal liability of the directors is to return the borrowed funds. Keywords. Besides BK Finance Limited, may take recourse to the remedy by means of injunction if feasible. यही एक पॉइंट लिखने का आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। We will discuss injunction in depth in contract. Right now, I don't want to go into it. Can they do anything to the company? No. Can they sue the directors as a personal liability? Yes. Sir, इसको याद कैसे रखे? यार इतनी सारी चीजें रखनी है, कुछ एक शॉर्टकट दे दीजिए। प्लीज फॉलो द चार्ट। कंपनी डजन एक्ट। दिस एक्ट कैन बी वन ऑफ टू थिंग्स। इट कैन बी इंट्रा वायरस, इट कैन बी अल्ट्रा वायरस। My dear students, if it is ultra vires, it is null and void. If it is null and void, it means that company is not liable. Then the next question is who to sue for damages? Over here you will write down aggrieved party. Can sue the directors in their personal capacity for this liability or file an injunction suit. प्लीज एग्जाम में इंजेक्शन सूट लिख के मत आना, एग्जामिनर्स हंस हंस के पागल होते हैं। इट इज इंजंक्शन नॉट इंजेक्शन। इफ इट इज इंट्रा वायरस देन अग्रीव्ड पार्टी कैन सू द कंपनी एज वेल एज डायरेक्टर्स फॉर डैमेजेस
इफ इट इज अल्ट्रा वायरस अग्रीव्ड पार्टी कैन सू ओनली द डायरेक्टर्स। इसको इस तरीके से याद रखेंगे। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग योर केस स्टडीज। दिस इज फॉर केस स्टडी, किस पर एक्शन लिया जाएगा, किस पर एक्शन लिया जाएगा फॉर अल्ट्रा वायरस एक्ट्स डन बाय द कंपनी। व्हाट इज द क्वेश्चन? किस पर एक्शन लिया जाएगा फॉर अल्ट्रा वायरस एक्ट्स डन बाय द कंपनी। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं क्योंकि ये अटेम्प्ट में आ चुका है। स्क्रीनशॉट लिया गया हो तो गिव मी अ थम्स अप, आई विल मूव यस अहेड। सर, ले लिया। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए आप इस आंसर में सेक्शन 399 और डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का भी फ्लेवर दे सकते हो। किस तरीके से? कि सबसे पहले जब आप बोलेंगे कि एक अल्ट्रा वायरस एक्ट है, इसमें आप बोलेंगे कि बीके फाइनेंस लिमिटेड अंडर सेक्शन 399 हैड द पावर टू एक्सेस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी विच इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद द आरओसी इन द इवेंट दैट इट हैज नॉट एक्सरसाइज द राइट कन्फर्ड अपॉन इट बाय सेक्शन 399। An ultra virus act which is void ab initio cannot, you can, with an act which is void ab initio, full stop, a company cannot be compelled to slash held liable for the execution of a void ab initio act. And hence, by virtue of this provision, the company AK Private Limited is nowhere liable for any damages unto BK Finance Limited. However, BK Finance Limited can sue the directors of AK Private Limited for liability in their personal capacity and can also consider to enforce an injunction suit. Ye hona chahiye. अब ये जो मैंने अभी बोला है, आई अप्रिशिएट कि ये मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग जब आपको अवेलेबल हो जाएंगी, इसको सुनना कंटिन्यूअसली आपके हाथ में है और इसको आपके नोट्स में लिखना जरूरी है। व्हेन दिस कम्स टू यू एज होमवर्क, आई वांट टू सी द पॉइंट्स मेंशन्ड अबाउट सेक्शन 399 एज वेल। ये मुझे देखना है आप सबके होमवर्क में, क्योंकि इसमें 399 का फ्लेवर देकर आप एग्जामिनर को ये सिद्ध करते हो कि आप रैंकर बनने लायक हो, रैंकर बनने की काबिलियत रखते हो, ना सिर्फ पास होने की काबिलियत। बेहद ज्यादा जरूरी पॉइंट है ये, इसे भूलिएगा मत। अगला सवाल, what do you mean by the term capital? Describe its classification in the domain of companies. बेहद सिंपल। इसमें स्टूडेंट्स सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करेंगे पहले याद रखिए। इसमें मिस्टेक होगी ना तो स्टूडेंट बोल देगा इसको इक्विटी और प्रेफरेंस। यहां पे टर्म कैपिटल पूछा गया है। यदि ये शेयर कैपिटल होता तो इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेक सेंस। याद रखिए इस बात, ये टर्म कैपिटल है, शेयर कैपिटल नहीं है। ये टर्म क्या है? ये टर्म कैपिटल है, शेयर कैपिटल नहीं। इस बात को याद रखना बेहद जरूरी। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कैपिटल? इसके टुकड़े हैं। सबसे पहले ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज्ड के अंदर से आप करते हो इशू, इशू के अंदर से लोग करते हैं सब्सक्राइब, सब्सक्राइब के अंदर आप करते हो कॉल अप, और कॉल अप के बाद आपको मिलता है पेड अप। ये कैपिटल के अपने खुद के स्टेजेस हैं। और हमेशा याद रखिए, आपने मेरे साथ इशू ऑफ शेयर्स किया हुआ है
तो इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप और पेड अप, ये आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे तरीके से आता है। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? प्लीज टेल मी दैट, गिव मी अ थम्स अप। आपके रिवीजन, गिव मी थम्स अप इफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आपके रिवीजन के लिए आपके सामने एक सवाल रखता हूं। कंपनी हैज ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ऑफ विच इट हैज इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ₹140 पर शेयर। ध्यान से, 30,000 शेयर्स और 30,000 सब्सक्रिप्शन हैव बीन रिसीव्ड, एक्सेस रिफंडेड, एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फाइनल कॉल बैलेंस, फाइनल कॉल बैलेंस। इसमें से मुझे बताइए इशूड कितना है, सब्सक्राइब कितना है, कॉल्ड अप कितना है, वेयर सो फार कॉल हैज बीन मेड टिल अलॉटमेंट। कॉल मेड टिल अलॉटमेंट, तो बताइए इशूड हाउ मेनी शेयर्स आर इशूड, व्हाट इज योर आंसर? इशूड हाउ मेनी? 20,000। 20,000, सब्सक्राइब 30,000, 20,000, कॉल्ड अप 20,000 मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच, मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच? मल्टीप्लाइड बाय 20। वाई? 40 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम कितना है? 40। मतलब आपने सिर्फ प्रीमियम ही कॉल अप किया है यहाँ पे, ऐसा नहीं होता है, बट आपको पर्पजली कंफ्यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा, पर्पजली कंफ्यूज करने के लिए आपके लिए लिखा। तो चलिए, अगर आपको कंफ्यूज नहीं करना है तो यहाँ पे मैं 50 कर लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर? 30 हो जाएगा। बट सर व्हाट अबाउट 40? माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल, दैट्स अ पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, दैट्स अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। व्हाट्स योर कॉल्ड अप कैपिटल? दिस इज योर कॉल्ड अप कैपिटल, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। सो इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप और पेड अप अज्यूम करते सब कुछ है, तो यही पेड अप आ जाएगा, यही क्या आ जाएगा? यही पेड अप आ जाएगा। इसको याद रखना जरूरी, इसकी रिवीजन आपके इशू ऑफ शेयर्स के दौरान हो चुकी है। तो चलिए, नॉमिनल ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल का मतलब क्या है समझते। दिस एक्सप्रेशन मीन्स सच कैपिटल एज इज ऑथोराइज बाय द मेमोरेंडम टू बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। सर ये आप हाईलाइट क्या कर रहे हो? ये जो हाईलाइट हो रहा है, ये जो अंडरलाइन हो रहा है, ये आपके कीवर्ड्स है। इशूड कैपिटल, सच कैपिटल एज द कंपनी इश्यूज फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। टाइम टू टाइम फॉर व्हाट? फॉर सब्सक्रिप्शन, इंपॉर्टेंट वर्ड, सब्सक्राइब दैट पार्ट ऑफ कैपिटल, सब्सक्राइब दैट पार्ट ऑफ कैपिटल विच फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब बाय मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, सब्सक्राइब बाय मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, कॉल्ड अप सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट, इट इज द टोटल अमाउंट कॉल्ड अप ऑन द शेयर्स इशूड, इट इज द टोटल अमाउंट कॉल्ड अप, पेड अप, इट इज द टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिटेड एज पेड ऑन द शेयर्स इशूड, पेड और क्रेडिटेड एज पेड, इट इज इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल लेस कॉल्स इन एरियर्स। और आप याद रखिएगा, ये एग्जैक्ट वर्डिंग हमने हमारे चार्ट्स में की है, अग्रीड और डिसएग्रीड, एग्जैक्ट वर्डिंग इज देयर इन आर चार्ट्स। आर यू विथ मी ऑन दैट? दैट्स द एंड ऑफ योर आंसर। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट लगा आपको? इसमें कुछ भी डिफिकल्ट लगा आपको? और देखिए इसका वेटेज देखिए प्लीज, 6 मार्क्स। इजंट दिस मार्क्स विच आर इन योर पॉकेट? टफ होता तो मैं बोलता कि चलो टफ है, जैसा मैंने बोला अल्ट्रा वायरस की केस में लिखना बहुत ज्यादा है, ये तो आप आउट ऑफ नॉलेज भी लिख सकते हो बॉस, आउट ऑफ अकाउंट्स नॉलेज भी आप ये लिख के आ सकते हो,
आर यू विथ मी ऑन दैट? गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? सर आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे? यस ये पीडीएफ सबको मिला था ना, सर्कुलेट किया था मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे, मिला है ना? चलिए, मैंने आपको बोला था सब्सिडरी और होल्डिंग का रिश्ता पूछा जाता है कि नहीं है? अब वो सवाल आ गया। बीसी प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ केएल प्राइवेट लिमिटेड। बीसी इज अ सब्सिडरी ऑफ केएल, आर होल्डिंग 90 एंड 70 इन पी क्यू। बीसी एंड इट्स सब्सिडरी केएल, बीसी और उसकी सब्सिडरी केएल, बीसी और उसकी सब्सिडरी के एल आर होल्डिंग 90 एंड 70 रिस्पेक्टिवली इन पी क्यू। द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ पी क्यू इज 30 लैक्स, 3 लैक्स इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इज फुल्ली पेड अप। माय डियर फ्रेंड्स, इधर ही आप गणित लगा लीजिए, इधर ही आप गणित लगा लीजिए। पी क्यू 30 लैक्स टोटल, 3 लैक्स इसके अंदर से 90 एवं 70, 1,60,000, मतलब इन एक्सेस ऑफ 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर आर हेल्ड बाय बीसी प्राइवेट लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी के एल प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें पी क्यू बीसी की सब्सिडियरी बनती है कि नहीं बनती है? पी क्यू बीसी की सब्सिडियरी बनती है कि नहीं बनती है? आर यू विथ बनती मी, येस और नो? वॉट है। वुड यस सर, बी योर आंसर इफ के एल इज होल्डिंग 160? चलिए, बीसी प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी कौन है? केएल प्राइवेट लिमिटेड। और केएल की सब्सिडरी कौन है? पी क्यू, क्योंकि अभी केएल इसमें 1.6 लाख शेयर होल्ड करता है। सब्सिडरी, सब्सिडरी इज माय सब्सिडरी बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 87, इट मस्ट बी अप्रिशिएटेड दैट अ सब्सिडरी ऑफ अ सब्सिडरी इज डीम्ड टू बी योर सब्सिडरी। आर यू विथ मी, यस और नो? यस सर, फॉर इन बोथ द केसेस बीसी प्राइवेट लिमिटेड बिकम्स द होल्डिंग कंपनी ऑफ पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड। एग्रीड और डिसएग्रीड? इन बोथ द केसेस बीसी प्राइवेट लिमिटेड बिकम्स अ सब्सिडियरी ऑफ होम, और आई एम सॉरी, पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड बिकम्स अ सब्सिडियरी ऑफ होम ऑफ बीसी प्राइवेट लिमिटेड। एग्रीड और नो? एग्रीड यस एवरीबडी? सर, यस और नो? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चलिए, आपको पूरा ये लिखना पड़ेगा, देखते हैं कैसे लिखा गया, देखते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 87 डिस्क्राइब्स द सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, दैट इज टू से द होल्डिंग कंपनी, विच मींस अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक्सरसाइज और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर आइदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज। फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग इवन इफ द कंट्रोल रेफर टू इन सब क्लॉज 1 एंड 2 इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। इवन इफ द कंट्रोल रेफर टू इन सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी, इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी।
लेयर इन रिलेशन टू होल्डिंग कंपनी मीन्स इट्स सब्सिडियरी सब्सिडरीज, यहां पे ये लिखना इंपॉर्टेंट बन जाता है. क्यों? बिकॉज देर इज अ लेयर्ड होल्डिंग, बिकॉज देर इज अ लेयर्ड होल्डिंग. ये एक लेयर बन गया. कितने लेयर बन गए? एक लेयर बन गया. इन द इंस्टेंट केस बीसी प्राइवेट लिमिटेड टुगेदर विद इट्स सब्सिडरी इज होल्डिंग 160 विच इज मोर देन वन हाफ ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, हेंस पीक्यू इज अ सब्सिडरी. आवर एक्सप्लेनेशन इज बेटर देन दैट. इट कंट्रोल्स मोर देन, सी व्हाट आर द वर्ड्स टू बी यूज्ड, इट कंट्रोल्स, और यूज द एग्जैक्ट वर्ड, और एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड, ऑफ पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड. दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस वर्डिंग इफ यू यूज हियर इंस्टेड ऑफ दिस वर्डिंग ऑल्सो चलेगा, और मैं आपको डंके की चोट पे ये बोल सकता हूं कि ये वर्डिंग आपके स्टैंड, ये सेक्शन की ही है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे. यू विल नॉट लूज योर मार्क्स. इन द सेकेंड केस द आंसर विल रिमेन द सेम. केएल इज होल्डिंग 160, दैट इज मोर देन वन हाफ ऑफ पी क्यू. Hence, KL is the holding company of PQ and BC is the holding company of KL. By virtue of chain relationship, BC becomes the holding company. You can either write by virtue of chain relationship, abhi ye to suggested answer mein diya hai. A company shall be deemed to be subsidiary even if the control is of another subsidiary. Hence, you can write over here, hence, it's control over PQ is of another subsidiary of BC, comma, PQ automatically becomes a subsidiary of BC. Are we clear about that? प्लीज टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस, प्लीज टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस. आपके मॉडल सोल्यूशन जो आप बनाएंगे उसमें मुझे ये लैंग्वेज देखनी है. मैं ये वर्ड सुनना चाहता हूं आपसे, चेंज रिलेशनशिप. बिल्कुल इसके नीचे आप ऐसा और लिखेंगे, आप ऐसा और लिखेंगे. सर ये ऐसा करना जरूरी है, मत सुनो मेरी बात. जून में मुलाकात होगी, सुनो मेरी बात. फेब्रुवरी से इंटर चालू होगा, की मर्जी. और लिखिए, और मैंने जो यहाँ पे लिटरेचर बोला है वो यहाँ पे रिप्रोड्यूस कीजिए. क्या कीजिए यहाँ पे? रिप्रोड्यूस कीजिए. एम आई क्लियर अबाउट दिस? यस और नो? यस और नो? यस सर. स्क्रीनशॉट ऋषि ले चुका. यस सर, ले लिया. विद दिस आवर टू पेपर्स हैव बीन कंप्लीटेड. हाउ मेनी पेपर्स हैव बीन कंप्लीटेड? आवर टू पेपर्स हैव बीन कंप्लीटेड. Now, I am asking you on grounds of reasonableness. Should I finish all four papers? Will you be able to finish all four papers tonight? Or should we do two papers today and two papers tomorrow? What is better? I am of the opinion that we should do at least three papers today. At least three we should do today. That's my opinion. Fourth one you can take as homework if you want. I'll discuss it. I'm not saying no. But at least three we should do. And now these papers that are coming, they have got big questions. They have got the bigger questions. See, the big questions are there. What all is there? Doctrine of indoor management is there. These are big ones. So I'm not in the mood of letting you go off the hook for these questions. Okay? Please, let's do at least this question now. If you want, I'll give you a 5 to 7 minute break. I don't mind. But it doesn't make sense. We just started at 5:30. Half an hour, what you are asking another break? None makes sense. You have to complete the discussion. Stay focused and get in. Stay focused, get in. May 20 to 13 marks. May 20 to 13 marks.
प्लीज पे अटेंशन, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. एंड व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट? इट इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. व्हाट इज इंडोर मैनेजमेंट? एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ आरना लिमिटेड एम्पावर्स इट्स मैनेजिंग एजेंट्स डायरेक्टर्स टू बोरो लोन्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. सो यू आर ऑथोराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन टू बोरो लोन्स. देयरफॉर बोरोइंग ऑफ लोन्स इज एन इंट्रा वायरस एक्टिविटी, येस और नो? प्लीज टेल मी दैट इट्स एन इंट्रा वायरस एक्ट. एंड हाउ कैन यू कंफर्म दिस? बाय रेफरिंग टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 399 ऑफ द एक्ट. बाय वर्च्यू ऑफ व्हाट? बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 399 ऑफ द एक्ट. मिस अनिका, अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, हैज बोरोड 18 लैक्स इन द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम क्विक फाइनेंस लिमिटेड, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी. लेटर आरना लिमिटेड, दैट इज द कंपनी, रिफ्यूज टू रीपे द मनी बोरोड ऑन द प्रीटेक्स्ट दैट नो रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग सच लोन हैज बीन एक्चुअली पास्ड बाय द कंपनी. माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव वन क्वेश्चन टू यू. क्विक फाइनेंस लिमिटेड अंडर सेक्शन 399, व्हेन इट रेफर्स टू द एमओए एंड एओए, डज इट फाइंड दैट बोरोइंग इज इंट्रा वायरस? यस और नो प्लीज टेल मी. डज इट फाइंड दैट बोरोइंग इज इंट्रा वायरस? यस और नो प्लीज टेल मी. कम ऑन, रिस्पॉन्सेस. व्हाट आर यू डूइंग? वेर आर माई रिस्पॉन्सेस? 23, 22, what are you doing? Is it intravirus? Yes, yes or no? Sir. Are you sleeping? No. Is it intravirus or is it ultravirus? Intravirus. Intravirus. Intravirus or ultravirus? Intravirus. Intravirus? My dear friends, if it is intravirus, can I say that Quick Finance Limited is allowed to assume that all indoor affairs are managed by the company? Yes or no? All indoor affairs are managed by the company? Yes or no? Please tell me that. Yes, sir. Yes, sir. My dear friends, if all indoor affairs are managed by the company, whether or not the company takes any resolution, is QF Limited, that is Quick Finance Limited, do they care about it? No, they don't. It's an intravirus act. मैं अज्यूम करता हूं कि आपका जो भी इंटरनल अफेयर्स इंडोर मैनेजमेंट है वो आप कर चुके हो. और ये मैं किस डॉक्ट्रिन के अंडर अज्यूम कर रहा हूं? अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कि कंपनी अपने इंटरनल अफेयर्स को अपने तरीके से मैनेज करती है. आर यू विथ मी? यस और नो? डिसाइड वेदर द कंटेंशन ऑफ आरा इज करेक्ट. इट इज नॉट करेक्ट. हु विल कम टू द रेस्क्यू ऑफ क्विक फाइनेंस? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. Are we sure? Do we understand the answer? Or Arna's is not correct. Now, why we have to justify it in the language of the institute? 4 marks question. Look at the sheer volume of the answer. Look at the sheer volume of the answer. Yaad rakhiye, 4 marks ke liye bhi aapko itna likh ke aana hai. Dekha jayega to ye point wise hai. Lekin main chahta hu ki aaj ke aaj ye tino paper solve hoke मुझे डेट के साथ और आज के चार्ट्स के साथ मिलने चाहिए. देर इज नो एक्सेप्शन टू दिस डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन, अ पर्सन डीलिंग विद द कंपनी नीड नॉट इंक्वायर
whether internal proceedings relating to the contract are followed correctly. Need not inquire whether internal proceedings related to the contract are followed correctly. Here, I will highlight for you the keywords. According to this doctrine, person dealing with the company need not inquire. Once satisfied that the transaction is in accordance with the memorandum and articles of association. Are you with me? Is there another way of writing this down? Under section 399, comma, the memorandum of association and articles of association are public documents available for copy slash inspection with the ROC for the payment, or rather I will say by the payment of a nominal fee, of a prescribed fee. इसके आगे यहां लिखता हूं, hence on ascertaining that the acts entered into contract are within the powers conferred by MOA and AOA, I dot E dot, they are intravirus, that is their intravirus dash dash the persons dealing with the company need not inquire whether internal proceedings are followed correctly. How have I said this? Please follow my dictation. Under section 399, the MOA and AOA are public documents available for copy inspection with ROC by the payment of a prescribed fee. Hence, on ascertaining that the acts entered into contract are within the power conferred upon by the MOA and AOA, that is, they are intra vires, the persons dealing with the company need not inquire whether internal proceedings are followed correctly. Aayi baat samajh mein? This is a better way of writing this down. This is a better way of writing this down. What? Indoor management. Let's move ahead. Stakeholders need not inquire whether the necessary meeting was convened and held properly or whether necessary resolution was passed properly. Ye karne ki zarurat hi nahi hai. They are entitled to take it for granted that the company had gone through these proceedings in a regular manner. Very, very important point. It is an analysis of the above paragraph. This doctrine helps to protect the external members from the company and states that the people are entitled to presume that internal proceedings are as per the documents submitted by the ROC, submitted with the ROC. Thus, what happens internal to a company is not a public knowledge. Outsiders can only presume the intentions of a company but do not know the information he or she is not privy to. Word to word. छापना है आज रोटी सब्जी दाल चावल सालन जो भी खाओ उसमें घोल के दबा खा लो. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऋषि. इज इट टेकन? यस सर टेकन. इफ नॉट फॉर द डॉक्ट्रिन द कंपनी वुड एस्केप द क्रेडिटर्स बाय डिनाइंग द अथॉरिटी टू ऑफिशियल एक्ट्स ऑन इट्स बिहाफ. अगर ये डॉक्टरी नहीं होती तो कंपनी क्या कर सकती थी? बोल सकती थी कि हाँ हमने तो ये लिया ही नहीं था, उसको कोई परमिशन थी ही नहीं. इफ इट इज एन इंट्रावायरस एक्ट, डायरेक्टर्स
प्लस कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल, यही हमने लिख दिया है। इंटरनल मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ कंपनी नॉट आवर लुकआउट। द गिवन क्वेश्चन क्विक बींग एक्सटर्नल नीड नॉट इंक्वायर वेदर द नेसेसरी रेजोल्यूशन वॉज पास। इवन इफ आरना केम नो रेजोल्यूशन, आरना इज बाउंड टू रीपे द लोन बाय क्विक फाइनेंस लिमिटेड। देखिए डायरेक्टर एंड कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल, क्यों? क्योंकि ये इंट्रा वायरस था। यदि ये अल्ट्रा वायरस होता तो कंपनी नॉट रिस्पॉन्सिबल। क्यों कंपनी नॉट रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि शुरुआत से ही ये क्या होती है, ये वॉइड एब इनिशियो एक्ट होती है, जिसमें आप कंपनी को पकड़ ही नहीं सकते। ये वॉइड एब इनिशियो होती शुरुआत से, तो आप कंपनी को पकड़ ही नहीं सकते। डायरेक्टर्स आर पर्सनली लायबल, जाइएगा अदालत में, कंपनी का कुछ नहीं। ये क्या है? इंट्रा वायरस है। इंट्रा वायरस में डायरेक्टर प्लस कंपनी बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। इट इज एन इंटरनल मैनेजमेंट एंड इंटरनल मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी नॉट आवर लुकआउट। इट इज अज्यूम कि उन्होंने जो भी जरूरी था सब कुछ ले लिया था। येस और नो प्लीज टेल मी दैट, येस और नो प्लीज टेल मी दैट, गिव मी अ थम्स अप, येस और नो। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? इसे आज के आज लिखिएगा, तभी ये लेक्चर को सेंस बनता है। और एक बात आपको बोलता हूं, और एक बात आपको बोलता हूं, एक बात का आश्वासन आपको दिलाता हूं कि आपका लेक्चर खत्म होने के तुरंत बाद मैं सारे कोई भी नए काम लेने से पहले आपका पहले लेक्चर अपलोड करूंगा। और जैसे ही आपको यूट्यूब का अपलोड मिल जाता है आज, उसको लेके बैठो और जैसे क्वेश्चन वहां पे मैं डिस्कस कर रहा हूं वैसे उसको नोटबुक में अपने पीडीएफ में देख के लिखो। ये करना जरूरी है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। जिस भी स्टूडेंट के पास लैपटॉप की ये सहायता है, इट इज गुड फॉर देम, नहीं तो मोबाइल में देख के लिखना आपको मैनेज करना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेट रियलिटी। ओके गाइस, लेट्स मूव अहेड। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। देखो भाई, 6 marks, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अल्ट्रा वायरस एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट डन बाय द कंपनी। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट? कुछ भी नहीं है, देयर वॉइड हैव इन इश्यू, देयर वॉइड हैव इन इश्यू। नाउ सी, यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी सेंटेंसेस बनानी पड़ेंगी, आपको एक्चुअल ड्राई थियरी यहाँ पे प्रोनाउंस करके आना पड़ेगा। The meaning of the term ultra-virus is simply beyond their powers. The legal phrase ultra-virus is applicable only to acts done in excess of legal powers of the doers. This presupposes the powers in their nature are limited. In nature of whom? The company. Nature of powers itself is limited. To an ordinary citizen, law permits whatever he does. The law does not expressly forbid. It is fundamental of a company law that the objects of a company as stated in its memorandum can be departed only to the extent permitted by the law. Objects se hat sakte ho, but jitna kaida allow karti. Thus far and no farther away. In consequence, any act done by a contract made by the company which travels beyond the powers not only of the director but also company is wholly void and inoperative and therefore not binding on the company. सर, इसको लिखने का शॉर्टकट बताइए ना, अभी शॉर्टकट बताता हूं। फर्स्ट सेंटेंस, एनी एक्ट डन बाय द कंपनी मेड बाय द कंपनी, एनी एक्ट डन और कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द कंपनी विच ट्रेवल्स बियॉन्ड द पावर्स नॉट ओनली ऑफ डायरेक्टर्स बट ऑल्सो कंपनी इज होली वर्ड एंड इन ऑपरेटिव एंड देयरफॉर नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। ये आपका पहला पॉइंट बन गया। ये क्या बन गया? पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, द मीनिंग ऑफ द टर्म अल्ट्रा वायरस इज बियॉन्ड द पावर्स, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट लिखिए यहां पे, रेफर केस लॉ, एशबुरी रेलवे कंपनी वर्सेस रिची। इतना लिख दीजिए, आपका पहला पैराग्राफ हो गया। इतना लिख के और पहला पैराग्राफ हो गया। चौथा पॉइंट यदि आप लिखोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, अ कंपनी कैन बी रिस्ट्रेंड फ्रॉम एम्प्लॉइंग इट्स फंड फॉर पर्पजेज अदर देन दोस सैंक्शंड, इट कैन बी रिस्ट्रेंड फ्रॉम कैरिंग ऑन अ ट्रेन डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट इट इज ऑथराइज्ड टू कैरी ऑन, बट इफ इट डज इट
इट इज वॉइड एब इनिशियो एंड यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट ऑफ द कंपनी. द इम्पैक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस इज दैट द कंपनी कैन नाइदर बी सूड ऑन एन अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन नॉर कैन इट सू ऑन इट. देखिए आप अल्ट्रा वायरस कुछ कर रहे हो और आपका नुकसान कर दिया मैंने, आप रो नहीं सकते, अरे मेरा नुकसान कर दिया उस पर्सन ने, और मैं भी रो नहीं सकता कि कंपनी ने मेरा नुकसान किया. हम दोनों के पास सेक्शन 399 का पावर है, हमें मालूम होना चाहिए कि हम कर क्या रहे. तो ये कंपनी है, उसने अल्ट्रा वायरस एक्ट की, सू और गेट सूड दोनों नहीं हो सकता. ना कंपनी सू करती है ना वो गेट सूड हो सकती है, क्योंकि एक्ट ही अपने आप में क्या है, अल्ट्रा वायरस. एक्ट ही अपने आप में क्या है, अल्ट्रा वायरस. आर यू विथ मी ऑन दैट, यस और नो, प्लीज टेल मी दैट. क्या ये यस पॉइंट सर, आपके समझ में आ रहा है? एक्ट ही साली अपने आप में अल्ट्रा वायरस है, तो कंपनी कुछ भी कर नहीं सकती. कंपनी कुछ भी कर नहीं सकती. आ रही है बात समझ में? देखिए, सिंस द मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इट इज ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन. मेरे हिसाब से ये पॉइंट इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे थोड़ा, इन माय ओपिनियन, थोड़ा क्लियरली लिखना चाहिए था. यहाँ पे ऐसा लिखना चाहिए था, अंडर सेक्शन 399 ऑफ द एक्ट कॉमा द मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड इट इज ओपन टू इंस्पेक्शन. देखिए जहां पे आप सेक्शन रेफरेंस दे सकते हो वहां पे देना जरूरी है. अभी तक आप पूरे कंपनीज एक्ट में देखो आपको क्या क्या सेक्शन रेफरेंसेस देने हैं. टू सब सेक्शन 87 होल्डिंग सब्सिडरी, टू सब सेक्शन 6 एसोसिएट, 399 फॉर व्हाट, अपना कंस्ट्रक्टिव नोटिस. ये तीन चार सेक्शन अगर आपको याद रखने हैं तो क्या ये मैं ज्यादा मांग रहा हूं क्या आपसे? इट्स नॉट सो. आज हम 21 सितंबर पर है, सितंबर टू अक्टूबर, अक्टूबर टू नवंबर एंड नवंबर टू दिसंबर, ये 90 डेज में क्या आप इसे याद नहीं रख सकते? कम ऑन गाइस, इट्स पॉसिबल. प्लीज डोंट मेक अ सॉरी फिगर ऑफ योर सेल्फ, डू इट, वर्क हार्ड राइट टूडे इटसेल्फ. मैं चाहता हूं कि 5 अक्टूबर तक लॉ आपके लिए ना हाथ का मैल बन जाए. आई एम टेलिंग यू, इट शुड बी लाइक दैट, राइट? देयरफॉर व्हेन वन डील्स विद द कंपनी, वन इज डीम्ड टू नो अबाउट द पावर्स ऑफ द कंपनी. हु गिव्स यू दिस? हु गिव्स यू दिस? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. देयरफॉर एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, therefore as per doctrine of constructive notice when once deal with a company one is deemed to know about the powers of the company. लिखो ना ऐसा, full marks मिलेगा. In spite of this one enters into a transaction which is ultra vires the company, he or she cannot enforce against the company. When you come to the bull and say to the bull, come bull hit me, what can you do? Translate in Hindi. जब आप बैल को बोलते हो, हाँ बैल मुझे मार, correct? What can you complain? कि बैल ने मुझे मारा. You can't understand the logic that once you know it is ultra virus, nothing can protect you. An act which is ultra virus, the company being void, cannot be ratified by the shareholders of the company. Ye specifically, aapke charts mein hai. Any ultra virus act cannot be ratified by a resolution of the shareholders. However, some ultra virus can be regularized by ratifying them subsequently, can be, but ye heavily subjective or limited cases mein hota hai. For instance, if the act is ultra virus, the powers of the directors, the shareholder can ratify it. My dear students, look at your ultra virus chart. Kya ye aapke ultra virus chart mein hai? Ultravirus, the directors can be ratified by the shareholders, but ultravirus, the MOA and AOA cannot be ratified by the shareholders. This is given in your chart. Refer to your chart. If it is ultravirus, the articles, the company can alter the articles. Yes, the company can alter the articles by passing a special resolution under section 2, subsection 14. You can. The act is within the power of the company, but done irregularly, shareholders can validate the act only if the articles of association have been amended by passing of a special resolution. The act cannot be ratified even after taking majority. Act can't be ratified by taking majority of shareholders, provided the act is
अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कैन बी अमेंडेड बाय टेकिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द शेयर होल्डर्स. इफ द एक्ट इज अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर्स, इट कैन बी रेटिफाइड बाय द एक्शन ऑफ द शेयर होल्डर्स. माई डियर स्टूडेंट्स, दिस इज देयर इन द चार्ट्स ऑफ योर अल्ट्रा वायरस. आर यू विथ मी ऑन दैट? प्लीज रेफर टू योर अल्ट्रा वायरस चार्ट्स. डू यू हैव योर अल्ट्रा वायरस चार्ट्स विथ यू इन योर रिस्पेक्टिव मोबाइल नोटबुक लैपटॉप्स? Please refer to ultravirus charts. In the ultravirus charts, it was specifically given to you. Do you have the ultravirus charts? Who has ultravirus charts? Rishi, who is that? Rishi, you have it in your laptop right now? Oh, sir, I'll have to check 1 second. Anurag is not in the lecture. I fail to understand why. Just a second. Just hold on. I'll pull out your ultravirus chart for you. Just hold on. सर मिल गया मुझे अल्ट्रावायलेट वाला चार्ट. मिल गया तो शेयर स्क्रीन कीजिए. यस सर 1 सेकंड. बोलिए ना. सर यही है अल्ट्रावर्स का चार्ट. अरे खोलो ना फिर उसको. यही है दो. सर आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ ओपन करना, मेरे को कंट्रोल दे. सर मैंने किया है, वो चार्ट भी दिख रहा है मेरे सामने. Where is the chart, Rishi? ये नीचे यही है, ये MON AON वाला. Open that file, please. सर आप दिख रहे हैं? Open the file and share the screen, no beta. सर मैंने ओपन किया फाइल. Okay, 1 second. Stop sharing the screen. It's okay. Thanks. Send me that file, MOA and AOA. इस ग्रुप पे सेंड किया है.
हियर फाइनली। अरे देखो सेम शर्ट में, बाल के साथ और बाल के बिना, ये देखो नोटिस करो, ये है बाल के साथ, ये है बाल के बिना। माय गॉड, दिख रहा है क्या? सेम शर्ट है, बाल के साथ और बाल के बिना। वाह प्रोफेसर। चलो, अल्ट्रा वायरस है, कैनॉट बी रेटिफाइड इवन इफ यूनानिमस कंसेंट एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर्स बट इंट्रा वायरस द कंपनी कैन बी रेटिफाइड। अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन बी रेटिफाइड बाय अल्टरिंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन एट अ जनरल मीटिंग। ये पूरा हमने अल्ट्रा वायरस में कवर किया हुआ है। आर यू विथ मी? अल्ट्रा वायरस हैज बीन कवर्ड बाय अस। ये देखिए पूरा अल्ट्रा वायरस का आपका आंसर मेजर चंक यहां से है। आर यू विथ मी ऑन दैट? यस सर। समझ पा रहे हो क्या? आई डोंट नो, आई एम अनअवेयर, आई एम कंफ्यूज इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट और नो। आई रिक्वायर यू टू फिनिश अल्ट्रा वायरस का दिस आंसर टुडे। सो दिस वाज 6 मार्क्स एंड इजी 6 मार्क्स। नेक्स्ट, मिस्टर आर इज एन इंडियन सिटीजन एंड ड्यूरिंग हिज स्टे ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज फॉर 130 डेज, 1 सेकेंड ईयर। ये सीधा वन पर्सन कंपनी का क्वेश्चन है, क्योंकि ये आर है, मिस्टर आर है, मतलब ये क्या है, ये नेचुरल है। फिर ये क्या बन गया, इंडियन सिटीजन। इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कितना दिन रहता है, 130, मतलब 120 और मोर को सेटिस्फाई करता है। एंड ही स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग इज फॉर दिस, ही अपॉइंट्स मिस्टर एस अ फॉरेन सिटीजन एज इज नॉमिनी। अल्लाह, ये तो उल्टा ही है। जो नॉमिनी बन सकता था उसने फॉरेन सिटीजन को नॉमिनी बना लिया। हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 125 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ओ, मिस्टर आर, इज मिस्टर आर एलिजिबल टू बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ वन पर्सन कंपनी? कैन यू गिव द नेम ऑफ एस एज इज नॉमिनी? टेल मी। एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट, ओनली नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया 120 डेज इमीडिएटली ड्यूरिंग इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट एंड शैल बी अ नॉमिनी। सो आर इज एलिजिबल, आर इज एन इंडियन सिटीजन इमीडिएटली प्रीसीडिंग 130 विच इज अबाउट, देयरफॉर आर इज एलिजिबल, बट ही हैज गिवन द नेम ऑफ मिस्टर एस। मिस्टर एस इज नॉट एन इंडियन सिटीजन। हेलो, ऑल्दो मिस्टर ऑल्सो इवन दो एस इज मेंशनड एंड एज अ नॉमिनी एंड हिज स्टे इज मोर देन 120, ही इज अ फॉरेन सिटीजन नॉट एन इंडियन सिटीजन एंड हेंस एस नेम कैन नॉट बी गिवन एज अ नॉमिनी। याद है वो एक्सरसाइज किया था, वो नॉमिनी बनेगा कि नहीं खेले थे, नॉमिनी नॉमिनी खेले थे लेक्चर के शुरुआत में, काम में आया ना इधर। यस सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 3 मार्क्स यस का था, सर। इसलिए नॉमिनी नॉमिनी खेल रहे थे हम लोग। आर यू विथ मी? आर यू विथ यस मी? सर। तो नॉमिनी बनने के लिए भी वही कंडीशन है जो ओपीसी इनकॉर्पोरेट करने के लिए। आपको क्या क्या लगेगा, एक बार फिर से, आप क्या होने चाहिए? पहले एक नेचुरल पर्सन होने चाहिए, फिर क्या होने चाहिए? इंडियन इंडियन सिटीजन। सिटीजन। वन ट्वेंटी डेज और मोर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इंडियन सिटीजन फॉर अ पीरियड, रेसिडेंट फॉर 120 डेज और मोर, क्या होना चाहिए? रेसिडेंट फॉर 120 डेज और मोर। आ रही है बात समझ में? यस और नो प्लीज टेल मी दैट। आ रही है बात समझ में? क्वेश्चन यस सिक्स सर। सी 3 मार्क्स, क्या आप इसे कवर कर सकते हो? कम ऑन टेल मी, पॉसिबल? पॉसिबल यस कवर हो सकता है? फंटास्टिक सर। फंटास्टिक, क्वेश्चन 6C हैज बीन टेकन केयर ऑफ। अब हम चलते हैं नवंबर 22 के पेपर पर। अब हम चल रहे हैं नवंबर 22 के पेपर पर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड इट्स एक्सेप्शंस, कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज वन पर्सन कंपनी, देखिए अगेन वन पर्सन कंपनी। एंड थर्ड इज लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी। देखिए वन पर्सन कंपनी कितना इंपॉर्टेंट है, वन पर्सन कंपनी कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात को देखिए। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आज के होमवर्क में, आज के होमवर्क में आप ओपीसी के चार्ट्स कीजिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के सारे चार्ट्स कीजिए,
अल्ट्रा वायरस के चार्ट्स कीजिए, इंडोर मैनेजमेंट के चार्ट्स कीजिए, कंस्ट्रक्टिव नोटिस के चार्ट्स कीजिए, ये चार पेपर्स कीजिए, और मेरे रिक्वेस्ट के हिसाब से आप सेक्शन नंबर 8 कंपनी को भी जरा फिर से, हाँ, और इसमें आपको ऑफ कोर्स होल्डिंग सब्सिडरी तो आपका ये चार पेपर्स में हो ही जाएगा। सेक्शन 8 कंपनी जिसका अभी तक कोई बड़ा अहम ठोस सवाल हमने नहीं देखा है, आप उसे कीजिएगा, क्योंकि मुझे पूरी पूरी कॉन्फिडेंस है इस दिसंबर अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं सेक्शन 8 कंपनी बेहद ज्यादा टेस्ट होने के चांसेस है। पिछले 4 अटेम्प्ट में वो ओपीसी 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 की वो फिल्म दिखा के आपको आगे आगे भेज रहे हैं, लेकिन यदि ये अटेम्प्ट को उनको मुश्किल बनाना होगा तो वो ओपीसी के ट्रेंड को तोड़ के सेक्शन 8 को बीच में लेके आएंगे। एमओए एओए इंडोर मैनेजमेंट कंस्ट्रक्टिव नोटिस के ट्रेंड को तोड़ेंगे तो कंपनीज एक्ट में पूछेंगे क्या? चलो मान के चलिए तोड़ भी देते, लेकिन वो आना जरूरी है। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे टेस्टिंग हो सकती है। सेक्शन 8 कंपनी के सारे पॉइंट सारे चार्ट्स को अपने माइंड में फिक्स करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आर यू विथ मी ऑन दैट? यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। क्लियर गाइस? क्लियर? यस सर। ओके, नाउ दिस पेपर आई वांट टू डिस्कस डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्वेश्चन, ये मैं डिस्कस करता हूं और इसके बाद आई कैन लीव द लॉ लेक्चर। टुडे आई एम गिविंग यू टाइम टू डू लॉ, आई एम नॉट टेकिंग द मैथ्स लेक्चर। मैथ्स विल बी टेकन टुमारो बिकॉज सफिशियंट टाइम विल बी गिवन फॉर लॉ टुडे। कल लॉ करने की जरूरत नहीं है, कल वी विल स्टार्ट एंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट रैप अप इंडेक्स नंबर्स। ओके, कल वी विल स्टार्ट एंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट रैप अप द चैप्टर इंडेक्स नंबर्स अप्रोक्सीमेटली 3 PM ऑनवर्ड्स। Approximately 3 PM onwards. Now let us see. Mr. R, a manufacturer of toys, approached MNO Private Limited for the supply of raw materials worth 150. Mr. R was offered a credit period of 1 month. R went to the company prior to the due date and met with C, an employee at the billing counter, and convinced the former that the payment can be made to him as the billing cashier is on leave. समझे क्या हुआ? मिस्टर आर ने मिस्टर सी को बोला कि ये मटेरियल के पैसे आप मुझे दे दो, क्योंकि जिस व्यक्ति को देने हैं वो व्यक्ति लीव पे है। आर पेड द मनी एंड इशूड अ साइंड एंड सील्ड रिसीट बाय मिस्टर सी। आफ्टर द लैप्स ऑफ द ड्यू डेट आर रिसीव्ड अ रिकवरी नोटिस फ्रॉम द कंपनी फॉर अ पेमेंट ऑफ 150। आर इन्फॉर्म द कंपनी दैट ही हैज ऑलरेडी पेड द अमाउंट एंड बीइंग एन आउटसाइडर हैड जेन्युइन रीजंस टू ट्रस्ट मिस्टर सी हु क्लेम टू बी एन एम्प्लॉई एंड हैड इशूड हिम अ रिसीट। The company filed a suit against R for non-payment of dues. Discuss the fate of the suit and liability of R on the current date in accordance with the provisions of the Companies Act. Panda dekho. R is a manufacturer of toys. Approached MNO for the supply of materials. MNO ne R ko 1 महीने का credit period diya. To R ka dealing ho raha hai MNO Private Limited. सबसे पहले देखिए, ये यहाँ पे outsider है। जरा एक करण प्लीज मैथ्स के ग्रुप पे ये अनाउंसमेंट डाल दीजिए ना कि द मैथ्स लेक्चर इज नॉट देयर। आर यू विथ मी दैट लॉ लेक्चर इज गोइंग ऑन? स्टैट्स का न्यू लेक्चर आई एम अनेबल टू डिलीट इट। प्लीज पुट अ announcement over there that sir is taking law, we are continuing with law today. Stats lecture not there, tomorrow 3:30 PM index numbers will start. Write down over there, tomorrow 3:30 PM index numbers will start. Tomorrow index numbers will start, timing should be, sir will inform shortly. Timing sir will inform shortly. Let's continue. R, an outsider, is dealing with MNO Private Limited.
अभी उसने मटेरियल खरीदा 1,50,000 का, और आर वाज ऑफर्ड अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ। एमएनओ ने क्या बोला, 1 महीने के बाद में तू पेमेंट करना। आर ड्यू डेट के पहले ही कंपनी में गया और मिस्टर सी को मिला जो बिलिंग काउंटर पे बैठा था, और ये मिस्टर सी ने आर को कन्विंस किया कि तू मेरे को पेमेंट कर क्योंकि बिलिंग कैशियर लीव पे है। क्या हुआ, आर मिस्टर आर ये कौन है, ये आउटसाइड पार्टी है। इसने ट्रांजैक्शन किया एमएनओ प्राइवेट लिमिटेड के साथ, फॉर व्हाट, फॉर परचेस ऑफ मटेरियल्स। तो एमएनओ, तो आर ने क्या किया, परचेस्ड फ्रॉम एमएनओ प्राइवेट लिमिटेड, और एमएनओ प्राइवेट लिमिटेड ने आर को क्या दिया, क्रेडिट पीरियड दिया 1 मंथ। क्या दिया, क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ, ड्यू डेट से पहले। क्या ड्यू डेट से पहले आर एमएनओ कंपनी में गए और उनकी मुलाकात मिस्टर सी से हुई। मिस्टर सी ने उन्हें कहा कि जो रेगुलर बिलिंग का आदमी बैठता है, आज वो लीव पे है, आज वो लीव पे है, आप ऐसा कीजिए, आप जो पैसे देने के लिए आई है आप मुझे दे दीजिए, आप क्या कीजिए, मुझे पैसे दे दीजिए, मैं इसके बदले में आपको एक रिसीट दे देता हूं। आर ने बोला ठीक है, ये लो पैसा, दे दो मेरे को रिसीट। तो मिस्टर सी ने आर को क्या दे दिया, मिस्टर आर ने सी को क्या दे दिया, रोकड़ा दे दिया, और इसने सी ने क्या दे दिया, उसको रिसीट दे दिया। इसको मिला रिसीट और इसने दिया कैश। आ रही है बात समझ में, यस और नो? आर ने कैश दिया सी को, आर ने सी को कैश दिया और सी ने आर को क्या दे दिया, रिसीट दे दिया। आर को क्या लगा, पेमेंट हो गया। आर को क्या लगा, पेमेंट हो गया। ड्यू डेट पे कंपनी आ गई आर के दरवाजे पे, बोले चल बे पैसा निकाल। आर ने बोला अरे मैंने तो दे दिया पैसा, ये देखो मेरे पास रिसीट भी है। आई बात समझ में, डू यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन दैट मिस्टर आर इज इन? क्या यस सबको सर, समझाया है, ऐसा कोई है यस जिसको नहीं समझाया है? रेज योर हैंड्स, एनीबॉडी नॉट अंडरस्टूड? सिचुएशन क्या है, फिर से समझाता हूं। आर ने क्या किया, एमएनओ कंपनी से आर ने परचेस किया रॉ मटेरियल। एमएनओ कंपनी ने आर को क्रेडिट पीरियड दिया। ये क्रेडिट पीरियड खत्म होने से पहले आर गए कंपनी के पास और बोले ये लीजिए पैसा, पेमेंट ले लीजिए मेरे से। ये मिस्टर सी वहां बैठा था, उसने बोला काम करो मेरे को तुम कैश दो और बदले में मेरे से ये रिसीट लेके जाओ। आर बोला ठीक है, रिसीट ले ली उसने। आर को क्या लगा भाई मेरी पेमेंट हो गई, आर को क्या लगा भाई मेरी पेमेंट हो गई। ड्यू डेट पर कंपनी आके आर को पकड़ती है, बोलती है चल भाई पैसे निकाल। आर क्या बोलेगा, अरे भैया मैंने तो पेमेंट कर दी। आर क्या बोलेगा, अरे भैया मैंने तो पेमेंट कर दी। अब क्या होगा कंपनी एक्ट के तहत, ये आपसे पूछा जा रहा है। नोटिस कीजिए, ये जो आपका केस स्टडी है, ये अभी तक का सबसे प्रैक्टिकल और मैं मानता हूं सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस स्टडी अभी तक का है। एक्चुअल एनालिसिस चाहिए इसके अंदर। मैं इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं, और यू नोटिस कीजिए कि ये मात्र 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन 6 से 8 मार्क्स के लिए भी आपको फेस हो सकता है। इंडोर मैनेजमेंट का सवाल, अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन आउटसाइडर्स आर नॉट डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अभी वो जो आदमी लीव पे गया बिलिंग कैशियर, क्या ये आर का लुकआउट है, क्या
ये आर का लुकआउट है? प्लीज टेल मी दैट. इज दिस द लुकआउट ऑफ आर? एब्सोल्यूटली नॉट. नो. व्हाई नो? इट इज एन इंटरनल अफेयर ऑफ द कंपनी. इट इज एन इंटरनल अफेयर ऑफ द कंपनी. इट इज नॉट द लुकआउट ऑफ आर. दे आर इंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट द एक्ट्स ऑफ द डायरेक्टर्स और अदर ऑफिसर्स आर वैलिडली परफॉर्म. सो आर विल अज्यूम कि ये जो आदमी आया नहीं है, वो नहीं आया, उसके जगह पे जो दूसरा आदमी आया वो बराबर है, नॉर्मल है, मुझे उससे क्या लेना देना. इफ दे आर विद इन द स्कोप ऑफ देयर अपेरेंट अथॉरिटी, सो लॉन्ग एज द एक्ट इज वैलिड अंडर द आर्टिकल्स, इफ डन इन अ पर्टिकुलर मैनर, एन आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट इट हैज बीन डन इन द मैनर रिक्वायर्ड. दिस इज द इंडोर मैनेजमेंट रूल. That the company's indoor affairs are the company's problem. This rule has been laid down in the landmark case Royal British Bank versus Turkand, known as the Turkand rule. ये हम लोग इंडोर मैनेजमेंट में डिस्कस कर चुके हैं. वो बॉन्ड दिया था उसने, बॉन्ड देने के टाइम पे ये नहीं लिया था, रेजोल्यूशन नहीं लिया था, वगैरह वगैरह. इन द इंस्टेंट केस आर इज नॉट लायबल टू पे 150 टू MNO एज ही हैज जेन्युइन रीजंस टू ट्रस्ट मिस्टर सी, एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु इशूड हिम अ साइंड एंड सील्ड रिसीट. Liability of R in no of Mr. R in case no receipt is issued by Mr. C. Fate of the liability. Would your answer be different if the receipt is not issued? देखिए अभी अगर वो पैसा लेके रिसीट नहीं देता, बेसिकली आर को बना लेता, तो क्या होता? एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन. सस्पिशन ऑफ इररेगुलरिटी इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. देखिए ऑन अ रेगुलर बेसिस आपके वहां पे क्या मिलना चाहिए था? आपको एक रिसीट तो मिलनी चाहिए थी. सामने वाला आपको क्या बोलता है? आप मुझे पैसा दीजिए पर रिसीट में नहीं दूंगा, तो क्या आप पैसा दोगे? एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये क्लियरली आपको दिए गए थे. उसमें क्या थे? सस्पिशन ऑफ इरेग्युलरिटी, फ्रॉड. क्या क्या थे? सस्पिशन ऑफ इरेग्युलरिटी था, फ्रॉड था, और क्या था? देर वर थ्री पॉइंट्स इन दैट. याद करके देखिए, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ इरेगुलरिटी, मतलब आपको पता है कि कंपनी में जेन्यूनली कोई ना कोई इरेगुलरिटी हो रही है. व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट? फर्स्ट फर्स्ट एक्सेप्शन यू कैन से इज, यू कैन से दैट देयर इज एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ इरेग्युलरिटी. सेकेंड, देर इज सस्पिशन ऑफ इरेग्युलरिटी एंड थर्ड, देर इज फ्रॉड. यदि ये तीन केसेस में से कोई भी एक केस हो तो इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं करेगा. अगर आप रिसीट लिए बिना वहां से आते, तो क्या कहलाते? नो कमेंट्स. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आर यू विथ मी ऑन दैट? यस सर. अगर कुछ इरेग्युलर हो रहा है, इंडोर मैनेजमेंट प्लीड करके नहीं चलेगा, तो पेमेंट मत करो. एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन, सस्पिशन ऑफ इरेग्युलरिटी इज एन एक्सेप्शन. द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इन नो वे रिवॉर्ड्स दोज हू बिहेव नेग्लिजेंटली. इंडोर मैनेजमेंट मेरी रक्षा करेगी, मैं तुझे पैसा दे के आता. अरे ऐसे तो यार मैं भी प्राइम मिनिस्टर के लिए काम करता हूँ, ला दे मैं तेरा काम करवा दे. ऐसा होता है क्या? एब्सोल्युटली नॉट. इट इज द ड्यूटी ऑफ द आउटसाइडर टू मेक द नेसेसरी इंक्वायरी इफ द ट्रांजेक्शन इज नॉट डन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. इफ अ रिसीट अंडर द कंपनी सील वॉज नॉट इशूड बाई मिस्टर सी आफ्टर रिसीविंग पेमेंट, आर इज लायबल टू पे द सेड अमाउंट एंड दिस विल बी डीम्ड टू बी नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ आर एंड इट इज ड्यूटी टू मेक द नेसेसरी इंक्वायरी टू चेक वेदर मिस्टर सी इज एलिजिबल टू टेक द पेमेंट और नॉट. इफ इज एलिजिबल टू टेक द पेमेंट ही विल इशू द रिसीट, इफ इज नॉट एलिजिबल टू पेमेंट ही विल नॉट इशू द रिसीट. एंड डिस्पाइट दैट इफ यू आर मेकिंग अ पेमेंट टू दैट पर्सन यू आर अ, अंडरस्टैंड, यू हैव बीन चीटेड बाय हिम. डोंट बी अ फूल.
वो आता था ना टॉम एंड जेरी के कार्टून में, ऐसा उसका चेहरा हट के उधर एक गधे का मुंह आता, बोलते हैं जैकैस, और ऐसा सकर लिख के आता था, आपका जैकैस बना दिया फिर उसने, डोंट बी अ जैकैस, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, इफ नो रिसीट इज इशूड द लायबिलिटी विल फॉल ऑन आर, ही विल हैव टू पे द मनी, इफ रिसीट इज इशूड नॉट अ प्रॉब्लम, इफ रिसीट इज नॉट गोइंग टू बी इशूड विल शुड आर मेक द पेमेंट, एब्सोल्युटली नॉट, आर शुड नॉट मेक द पेमेंट इफ द रिसीट इज नॉट गोइंग टू बी इशूड, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यस और नो प्लीज टेल मी दैट. This Yes, is sir. by far the most important question that we have encountered so far on the doctrine of indoor management and its exceptions. By far the most important question of doctrine of indoor management and its exceptions. कुछ भी हो जाए आपको ये question solve करना बेहद ज्यादा जरूरी है. Most important question है अभी तक का. आज के homework में ये हो जाना चाहिए. तो इसी के साथ आपका law का discussion यहाँ पे खत्म हो जाता है.